नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग समसामायिक घटना चक्र 2022 को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि करेंट अफेयर्स के लिए इस बुक्स का इंतज़ार आप सभी को रहता है चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों आप देखिए ये बुक आपके लिए और वैसे भी करेंट अफेयर्स आपके चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों या यू की तैयारी कर रहे हों एम की तैयारी रह कर रहे हो बिहार पी राजस्थान छत्तीसगढ़ तमाम इस तरह के स्टेट पी एक एग्जाम होते हैं और आप देखते हैं कि वन डे एग्जाम भी तमाम तरह के होते हैं स्टेट लेवल पर भी होते हैं और आप देखते हैं कि आपका सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं तो उन सभी के लिए एक करंट अफेयर्स बहुत खास ही रहने वाला है और इसके लिए एक सेपरेट आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है जिसका नाम है समसामायिक घटना चक्र 2022 के नाम से इसी में आपकी सभी क्लासें डली रहेंगी आज की क्लास में हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम लोग बात करें तो आपको बताएंगे इसमें हम लोग क्या क्या बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी देखेंगे हम लोग और फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकरण भी देख लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय चुनाव और सत्ता परिवर्तन जिन देशों में हुआ है उन पर भी बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो आपदाएं आती रहती हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे इन सभी टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे और आपके कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हर साल इस बुक्स का आप लोग इंतजार करते हैं और हमसे बोलते हैं कि आप लोग डालिए इसका वीडियो बनाकर डालिए इसे कवर करवाइए और मेरा भी उद्देश्य आपके लिए ही एक तरह से इस बुक्स को खरीद के आप लोगों के सामने एक तरह से आपकी मदद हो सके मदद करना ही रहता है ठीक है और

और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने तीन देशों जर्मनी डेनमार्क फ्रांस का दौरा किया है दो से तीन मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री जर्मनी की जर्मनी की यात्रा पर रहे दो मई 2022 को वर्लिन में भारत जर्मन जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के छठे संस्करण का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन के चांसलर ओलाप सोल के साथ आईजीसी के पूर्ण सत्य की सह अध्यक्षता भी की है और आई

नेडा भी लिया गया है और दोनों देशों के मध्य तीस तीसरे देशों तीसरे देशों में त्रिपक्षीय विकास सहयोगी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक संयुक्त घोषणा पत्र भी हस्ताक्षरित हुआ है और याद रहे कि वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी के मध्य राज, राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं दोनों ही देश सन 2000 से रणनीतिक साझेदारी है दोनों के बीच और 1 जनवरी 2022 को जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता अध्यक्षता ग्रहण की तो ये भी आप लोग इसके बारे में याद जरूर रखिएगा क्या रखिएगा और वैसे भी आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में भी तो आप लोग देशों के बारे में पढ़ते हैं ना अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे किस तरह से हैं किस देश से किस तरह के संबंध हैं और वर्ष 2022 में जी सेवन शिखर सम्मेलन का आयोजन सलोस एलमाउे बिवे, वेवेरियन आल्फस जर्मनी में प्रस्तावित है तो ये भी याद रखिए इससे क्वेश्चन पूछ लेता है भारत डेनमार्क के संबंध देख लीजिए तीन से चार मई 2022 के मध्य डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फेडरेक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉफेन हैगन डेनमार्क की डेनमार्क की यात्रा संपन्न की है और आप देखेंगे यह प्रधानमंत्री मोदी की डेनमार्क की पहली यात्रा थी और याद रहे डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में सुश्री फेडरिक्सन ने 9 से 11 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा की थी और यात्रा के दौरान इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जो भारत भारत में हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में योगदान देगा और याद रहे 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना हुई है तीन मई दो को डेनमार्क की महारानी मार्ग रेट द्वितीय ने कोवेनहेगन स्थित ऐतिहासिक अमालियन वर्ग पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के राज्य सिंहासन पर महारानी के आरोहण की स्वर्ण जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी 4 मई 2022 को बाईस कोपेन हैगन में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग किया है और इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जेकवस डॉटिर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और स्वीडन के प्रधानमंत्री मैगडे लीना एंडरसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी भाग लिया और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने की थी डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ठीक है और याद रहे प्रथम भारतीय नागरिक शिखर सम्मेलन 2000 वर्ष 2018 हजार अठारह में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान नौ समझौते हस्ताक्षरित घोषित किए गए जिनमें प्रमुख है प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी पर घोषणा हरित पोत परिवहन में उत्कृष्टता केंद्र पर आशय पत्र 2022 से 2026 की अवधि हेतु सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम मंत्री स्तरीय ऊर्जा नीति संवाद को लॉन्च किया जाना भारत आई में मिशन भागीदार के रूप में शामिल होगा स्टार्टअप सहयोग हो को सुगम बनाने हेतु तो। इन्वेस्ट इंडिया और डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय के मध्य आशयपत्र फिर आप देखेंगे भारत फ्रांस की बात कर लेते हैं किसकी भारत और फ्रांस की तो आप देखेंगे चार मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संक्षिप्त कार्य यात्रा पर पेरिस फ्रांस का दौरा किया और पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई है और याद रखे भारत एवं फ्रांस वर्ष उन्नीस से ही रणनीतिक भागीदार हैं पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था जबकि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के अंगलेश संस्करण में फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा फिर आप देखिए भारत मॉरिशस सत्रह अप्रैल सत्रह से चौबीस अप्रैल 2022 के मध्य मॉरिसस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की आधिकारिक भारत यात्रा संपन्न हुई है उन्नीस अप्रैल 2022 को मॉरिसस के प्रधानमंत्री तथा तो डब्लू एच ओ के महानिदेशक टेड्रोस घेवरियस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल ट्रेडिसनल मेडिसन की आधारशिला रखी और जी सी टी एम विश्वभर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा यह केंद्र आयुष मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाएगा यह केंद्र भारत सरकार द्वारा लगभग दो हजार पचास दो हजार दो मिलियन डॉलर के निवेश से सम्बन्ध समर्थित होगा और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोनिवेश शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे इस इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुआ है कहाँ गुजरात में और आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के ही हैं और जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो भी गुजरात से ही संबंध रखते हैं तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए और आप देखेंगे कि हमारे यह शिखर सम्मेलन एस थ्री अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के अनुसरण में आयोजित हुआ है गुजरात एवं नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा मॉरिसस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बनारस हमारे मोदी साहब वहाँ से संसदीय क्षेत्र थे उनका बनारस से लोकसभा सदस्य हैं भारत यूके 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे यूके के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी और याद रहे यह या यात्रा ऐसे समय में आयोजित हुई जब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना का पचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व श्री जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमंदी आश्रम मसवाड़ इंडस्ट्रियल एस्टेट बड़ौदरा स्थित जीसीबी प्लांट और गिफ्ट सिटी गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया और आपने देखा होगा एक फोटो भी काफी वायरल हो रही थी जिसी पर वो खड़े दिखाई दे रहे थे दोनों सो देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य के अतिरिक्त साइबर सहयोग पर एक पृथक पृथक वक्तव्य भी जारी किया गया यात्रा के दौरान निम्न दो जी टू जी एमओस हस्ताक्षर किए गए भारत यूके वैश्विक नवाचार भागीदारी कार्य कार्यान्वयन पर एमओयू वैश्विक नवाचार भागीदारी के माध्यम से भारत तो, एवं यूके ने तीसरे देशों को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों के हस्तांतरण और समर्थन देने के लिए पचहत्तर मिलियन अराउंड तक सह पर सहमति व्यक्त की है दूसरा है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर सहयोग पर एम की बात हुई है और सग यात्रा के दौरान निम्न प्रमुख गैर सरकारी एम ओ यू ऐसे हस्ताक्षर हुए जैसे बर्मिंगम सिटी विश्वविद्यालय में अल्पकालीन चेयर चेयर की स्थापना हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद और बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी के मध्य एम ओ यू अब तटीय पवन विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस से आडानी सत्यविदी के सृजन पर समझौता ज्ञापन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और वन वेब वेब के बीच उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम पर समझौता रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा बढ़ाने के लिए यूके भारत भारत हेतु जारी करेगा ओ जी ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस और याद रहे मई 2021 में भारत यूके वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया आयोजन किया गया था आप देखते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हमारे प्रधानमंत्री साहब भी दूसरे देशों नहीं जा पाए तो यह सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता रहा उस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए थे ओ -E भारत की रक्षा खरीद हेतु नौकरशाही हस्तक्षेप एवं आपूर्ति में लगने वाले समय में कटौती करेगा यह भारत फ्रांस भारत प्रशांत मेपिथम ब्रिटिश ओ जी होगा और भारत एवं यूके वहनीय हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र को गति प्रदान करेगा करने के लिए वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब लॉन्च करेगा और फिर आप देखें कि भारत नीदरलैंड्स नीदरलैंड भारत और तो नीदरलैंड के बारे में जान लीजिए नीदरलैंड्स के राजा विलेम एगलेग एलेक्जेंडर तथा रानी मैक्स मैक्शियामा की निमंत्रण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से 7 अप्रैल 2022 के मध्य नीदरलैंड की राजकीय यात्रा पर रहे हैं पिछले 34 वर्ष में यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष की नीदरलैंड की पहली यात्रा है और याद रहे इससे पूर्व उन्नीस में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने नीदरलैंड की यात्रा की थी ये भी आप लोग याद रखिएगा हो सकता है पूछ ले याद रहे 2022 के दौरान भारत एवं नीदरलैंड अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना का पचहत्तरवीं वर्ष गांठ मना रहे हैं और यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम स्थित कैकेन हॉफ ट्यूलिफ गार्डन में पीली ट्यू ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया है फिर आप देखेंगे भारत तुर्कमेनिस्तान के संबंध देख लीजिए तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सेरदार सेरदा, सेरदार गुरबांगुल के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अप्रैल से चार अप्रैल 2022 के मध्य तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा संपन्न की है यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है और यात्रा के दौरान आप देखेंगे दोनों देशों की की के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की तीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है और राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान चार समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं तुर्कमेनिस्तान के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय की, वित की वित्तीय निगरानी सेवा एवं भारतीय भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के बीच एम हुआ है हस्ताक्षर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एमओ वर्ष 2022 से 2025 हज़ार के अवधि के लिए संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में सहयोग का कार्यक्रम युवा मामलों में सहयोग पर यू -E क्या ओ -E तो ये भी याद रखिएगा भारत नेपाल देख लीजिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी भी है नेपाल एक अप्रैल दो एक अप्रैल से तीन अप्रैल 2022 की के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 केवी की डबल सर्किट सॉल्यू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया है इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त रेड के तहत किया गया है दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया है यह रेल लिंक जयनगर मधुमनि बिहार को कोर्ता नेपाल से जोड़ता है और 34.90 किलोमीटर लंबा जयनगर कोर्था रेलखंड जयनगर बिजलपोरा वर्दीवास रेल, रेल परियोजना का एक हिस्सा है जो पूर्णता भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस यात्रा के दौरान तो नेपाल में रूप नेपाल में रूपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया है एक अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फैम्बर्ग समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल आई एस ए का एक सदस्य बन गया है तीन अप्रैल 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने का दौरा किया पर आप देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए 21 मार्च 2022 को भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रतिभाग किया और यह या दर याद रहे कि दोनों देशों के मध्य यह प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन चार जून दो को आयोजित हुआ था जिसमें दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक भागीदारी स्थापित हुई थी और इस शिखर सम्मेलन के उपरांत 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और ई सी टी ए पिछले एक दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देशों के साथ भारत का पहला व्यापार समझाता है पर आप भारत जापान की बात कर लीजिए ए उन्नीस से बीस 20 मार्च दो के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किसीदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे कहाँ भारत की आधिकारिक यात्रा पर और उनकी इस यात्रा के दौरान चौदहवें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और याद रहे पिछले पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर पर अगले पांच वर्षों के दौरान भारत में पांच ट्रिलियन यानी कि बयालीस बिलियन डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है दोनों देशों के मध्य नवंबर 2019 में नई दिल्ली में विदेश एवं रक्षा मंत्री प्रथम टू प्लस टू बैठक के आयोजन की का स्वागत किया गया और इसमें आप देखेंगे देखे, विदेश मंत्री भाग लेते हैं और रक्षा अच्छा मंत्री भाग लेते हैं दोनों देशों के वर्ष दो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इंडो पैसे और आप देखेंगे जापान आई पीओ आई के कनेक्टि, कनेक्टिविटी स्तंभ में एक प्रमुख भागीदार है 19 मार्च 2022 को दोनों देशों द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की घोषणा की गई इस साझेदारी के तहत सहयोग के क्षेत्र निम्न क्षेत्र हैं इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी समेत भंडारण प्रणाली इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इमारतों एवं उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा कुशल उपकरण सौर फी सेल समेत सौर ऊर्जा का विकास पवन ऊर्जा स्वच्छ हरित हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ हरित अमोनियम समेत एल एन जी का अधिक एवं स्वच्छ उपयोग कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण कार्बन पुनर्चक्रण जैव ईंधन समेत नए प्रकार के ईंधन सी बी जी सामरिक पेट्रोलियम भंडार स्वच्छता कोयला तकनीक और आप देखेंगे तेरह अप्रैल दो को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी भी दी है फिर आप देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए ग्यारह सेप्टंबर सितम्बर दो हज़ार इक्कीस को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और आप देखेंगे हमारे रक्षा मंत्री भाग लेते हैं विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया से आप देखेंगे मारिस ये विदेश मंत्री है वहां के और पीटर डिवटन ये रक्षा मंत्री है वहां के इनने भाग लिया क्या लिया भाग लिया और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप यह वार्ता आयोजित हुई है और याद रहे चार् चार जून दो को आयोजित प्रथम भारतीय ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी और इसमें दोनों देशों के मध्य के बीच के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक दो वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु टू प्लस टू वार्ता आयोजित करने का प्रावधान भी शामिल था अब आप देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति हों या विदेश मंत्री हों या आप देखिए और कोई नेता हो या आप देखिए प्रधानमंत्री साहब हों ऐसा भी कोई ना कोई यात्रा पर जाते हैं तो कोई काम करते हैं समझौता करके आते हैं उनसे कुछ तकनीक लेते हैं हम उन्हें देते हैं समझ रहे हैं आप लोग तो? साझा करते हैं ऐसा नहीं कि केवल घूमने जाते हो और याद रहे भारत के साथ टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजन करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है और ऐसे दो अन्य देश आपका अमेरिका भी है जापान भी है और भारत रूस के मध्य टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन पर सहमति बनी है अभी द्विपक्षीय भारत ऑस्ट्रेलिया टू प्लस टू मंत्रिपरिषद का वार्ता वर्ष 2023 में आयोजित होगी अब भारत डेनमार्क 9 सितंबर 2021 को भारत एवं डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के अंग के रूप में नई दिल्ली में अब तटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है याद रहे भारत एवं डेनमार्क की मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी को सेप्टेम्बर दो में लॉन्च किया गया था इस केंद्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना है और यह केंद्र एक प्रकार का ज्ञान हब है यह केंद्र प्रारंभ में चार कार्य समूहों के पास केंद्रित होगा स्थानीय के योजना वित्तीय ढांचे की शर्तें और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और मानक तथा परीक्षण ठीक है फिर आप देखेंगे भारत अमेरिका 9 सितंबर 2021 को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी को लॉन्च किया गया है और एस को भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा दो भागीदारी अनुसरण पर नए रू, रूम में लॉन्च किया गया है और आप देखेंगे याद रहे कि 20 22 से 23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की थी इन्होंने और एससी आप देखेंगे एस के तहत सहयोग के पांच स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा ये स्तंभ विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता उत्तरदायी तेल एवं गैस और नवीकरणीय ऊर्जा सतत वृद्धि उभरते ईंधन याद रही अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी की स्थापना की गई थी जिसे एस के रूप में नवीनीकृत किया गया और एसई के तहत भारत एवं अमेरिका सहयोग के चार स्तंभों पर सहमत हुए थे जबकि एस सी पी में इन्हन, इन्हन नामक एक नए स्तंभ को जोड़ा गया है इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को बढ़ावा देना है दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस गेस टास्क फोर्स का पुनर् नामकरण भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की घोषणा की है और इस अवसर पर जैव ईंधनों पर एक नए भारत अमेरिका कारवल के गठन की घोषणा भी की गई है और आप देखेंगे याद रहे अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस और में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 50 से बावन प्रतिशत कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत ने भी 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है जलवायु कार्यवाही वित्तीय गतिशीलता संवाद ए तेरह सेप्टेम्बर दो को भारत अमेरिका ने जलवायु कार्यवाही वित्तीय गतिशीलता संवाद को लॉन्च किया है याद रहे सी एफ एम डी भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के दो टैंक में से एक है ट्रैक में से एक है और इसका दूसरा ट्रैक भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी होगा भारत मालदीप हमारा पड़ोसी है आप देखते हैं 25 मई 2021 को भारत द्वारा अड्डू शहर मालदीव में भारत के एक एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की है दो जून दो को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीप के मध्य सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है और इस एमओ -E पर फरवरी फर 2000 फरवरी दो, फर दो में हस्ताक्षर किए गए तो ये भी याद रखिएगा तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध जो भी रहे हैं उन्हें देख लिया हम लोगों ने अब बात करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय जो प्रकरण रहे हैं उन्हें भी देख लीजिए और इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 को और आप लोगों से पहले भी बताया हुआ है इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं आपके इनके बारे में एक ओवरव्यू जरूर रखा करिएगा और आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है और आपने देखा होगा हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन कवर किए हुए जो इस तरह के इंडेक्स जारी करते हैं या रिपोर्ट जारी करते हैं उनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं

संस्करण के संकलन हेतु आर एस एफ द्वारा एक नई प्रविधि विकसित की गई है प्रेस स्वतंत्रता की जटिलता को दर्शाने के लिए सूचकांक के संकलन में पांच नए संकेतकों का प्रयोग किया गया है ये नए संकेतक हैं राजनीतिक संदर्भ वैधिक फैमवर्क आर्थिक संदर्भ और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा तो इन्हें भी याद रखिएगा और जो आप देखते हैं इसमें हमारी स्थिति अच्छी कोई अच्छी नहीं रहती है तीन मई दो को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक ये यह सूचकांक बीसवा संस्करण है सूचकांक का ठीक है जब 2002 से आप लोग जुड़ेंगे तो बीसवा ही देखने को मिलेगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में तीन स्थान नॉर्डेक देशों में या यथा नॉर्वे पहले नंबर पर डेनमार्क दूसरे स्वीडन तीसरे स्थान पर है और अधिकतर आप देखते हैं जो इंडेक्स आते हैं उसमें यही देश ऊपर देखने को मिलेंगे तो नॉर्वे पहले पर डेनमार्क दूसरे पर स्वीडन तीसरे पर प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति उत्तर कोरिया की है उसे सूचकांक में अंतिम एक सौ स्थान मिला है अब कोरिया आप सभी जानते हैं क्या स्थिति है ताना साही रवैया रहता है आप वहाँ कोई लिख नहीं सकता है मीडिया वाला कोई सवाल नहीं पूछ सकता है विश्व प्रेस प्रेसंत्रता सूचकांक दो में भारत को एक स्थान मिला है स्कोर इकतालीस पर है तो आप भी समझ सकते हैं कि हमारी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है एक क्लास में आप देखिए एक बच्चे बैठे हुए हैं किसी बच्चे का स्थान एक सौ पचवा पचासवा आता है उसकी स्थिति अच्छी कहाँ से हो गई तो आप देखेंगे इसमें भी याद रखिएगा और वर्ष 2021 में भारत एक सौ अस्सी अस्सी देशों की सूची में एक सौ बयालीसवें स्थान पर था तो एक तरह से आप समझिए कि कोई अच्छी बात नहीं है और हमारे देश में भी मीडिया का क्या हाल है आप सभी जानते हैं मीडिया कुछ अपने कर्मों से नीचे कर रही है कुछ और आपके नेता काम कर देते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दो में विकसित देशों की स्थिति ब्राज़ील के 110वें नंबर पर रूस एक सौ नंबर पर भारत एक सौ नंबर पर चाइना एक सौ स्थान पर दक्षिण अफ्रीका पैंतीसवें स्थान पर है और आप देखिए हमारे पड़ोसियों की भी स्थिति हमसे अच्छी रहती है समझ रहे हैं और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में विभिन्न संकेतकों पर भारत की स्थिति राजनीतिक में एक सौ रैंकिंग है आर्थिक में एक सौ उनस रैंकिंग है विधिक में एक सौ रैंक है सामाजिक सांस्कृतिक में एक भी है सुरक्षा में एक भी है तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है फिर आपका हाँ बेस्टविग विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ दो हज़ार इक्कीस एक पच्चीस अप्रैल 2022 को इस होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट टीट्यूड -टी। जिसे आप लोग सीपरी के नाम से जानते हैं विश्व सैन्य व्यय वित्तीय दो नामक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय 2020 की तुलना में सात जीरो दशमलव सात की स्तर बढ़कर इक्कीस इक्कीस सौ तेरह दो हजार एक सौ तेरह मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है कौन कितना खर्च करता है इसमें ये बताया जाता है 2021 में किए विश्व सैन्य व्यय पहली बार दो ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गया है और 2021 में विश्व सैन्य व्यय में वर्ष 2020 की तुलना में जीरो दशमलव सात प्रतिशत और वर्ष 2012 की तुलना में बारह प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है आप सभी जान रहे हैं कि जब देश आपस में लड़ते रहेंगे तो हथियार करेंगे रक्षा के क्षेत्र में ज्यादा खर्च करेंगे अपने सेना को एक तरह से तकनीकें उपलब्ध कराएंगे तो वर्ष 2021 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 पॉइंट प्रतिशत था और 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले पांच देश क्रमशः अमेरिका चीन जापान यूनाइटेड किंगडम रूस हमारा तीसरा नंबर है हमसे ऊपर आप देखेंगे चाइना है फिर उसके ऊपर अमेरिका है अमेरिका अभी भी सबसे ज़्यादा खर्च करता है ये पांच देशों देश ही वर्ष 2021 में वैश्विक सैन्य खर्च के 42 प्रतिशत हिस्से के लिए उत्तरदायी है कितना 42 हमारी तो मजबूरी है हमारे जैसे पाकिस्तान पड़ोसी हों और हमारा चाइना पड़ोसी हो अफगानिस्तान पड़ोसी हो और तो हमें अपना रक्षा की ओर ध्यान देना ही होगा सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले पांच देश 2021 के अमेरिका और ये आप देखिए 20 की है रैंकिंग इक्कीस की है अमेरिका पहले पर है और आप देखेंगे कि बिलियन अमेरिकी डॉलर में खर्च करता है 801 और वैश्विक सैन्य व्यय में हिस्सा है 38 परसेंट चाइना दूसरे पर है और दो बिलियन डॉलर खर्च करता है और चौदह हिस्सा है और तीन आप देखिए तीसरे नंबर पर भारत है छिहत्तर तो बिलियन डॉलर हम लोग खर्च करते हैं थ्री पॉइंट सिक्स हम से आगे हमसे देखिए कितने गुना ज्यादा चाइना खर्ता खर्च करता है हमसे कितने गुना अमेरिका ज़्यादा खर्च करता है इसीलिए आप देखते हैं वो शक्तिशाली अमेरिका है क्योंकि अपनी और आप देखिए पिछले साल इस साल चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है पिछले साल छठवें नंबर पर था और आप देखिए रूस पाँचवें नंबर पर पिछले साल था और रूस इस बार भी पाँचवें नंबर पर हमसे कम खर्च करता है रूस और रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष दो में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बना है क्या है बना है तो यह भी याद रखिएगा और 2020 की तुलना में 2021 में भारत द्वारा सैन्य व्यय में लगभग जीरो दशमलव नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2021 में भारत का कुल सैन्य व्यय छिहत्तर दशमलव छह बिलियन डॉलर रहा जो विश्व के कुल सैन्य व्यय का लगभग थ्री पॉइंट सिक्स प्रतिशत है तीन दशमलव छह प्रतिशत और 2021 में भारत का सैन्य व्यय उसके जीडीपी का दो दशमलव सात प्रतिशत है हैनली पासपोर्ट सूचकांक ऐसे भी देख लीजिए ये 2022 है हैनली पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत वर्ष दो हज़ार में हुई थी और यह सूचकांक विश्व के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर निर्धारित करता है कि उस पासपोर्ट पर कितने गंतव्यों यात्रा बिना वीजा की या फिर बिना किसी पूर्व वीजा की हो सकती हो हैनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित है और यह सूचकांक हैनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे हेनले एंड पार्टनर पार्टनर्स द्वारा हाँ जारी किया गया जाता है और यह सूचकांक तिमाही आधार पर जारी किया जाता है तीन माह पर और आप देखेंगे एक तरह से कौन कितना शक्तिशाली वीजा है उसी को बताता है अप्रैल 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी कंपनी हैनले एवं पार्टनर्स द्वारा हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 जारी किया गया है और आप देखेंगे और यह सूचकांक में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है जापान और सिंगापुर और जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक बिना किसी बीजा के विश्व के एक गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं उन्हें बिना बीजा के बिना किसी बीजा के बीजा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा उनका पासपोर्ट इतना ताकत भर रहता है तो जापान आप देखेंगे एक स्कोर के साथ पहले नंबर पर है सिंगापुर पहले नंबर पर एक जर्मनी दूसरे नंबर पर एक दक्षिण कोरिया दूसरे पर एक फिनलैंड इटली लगजमबर्ग स्पेन तीसरे नंबर पर एक देशों की यात्रा कर सकता है और वृक्ष में देखें तो ब्राज़ील 20 नंबर पर एक स्कोर के साथ रूस उनचासवें एक सौ भारत आप देखें चौरासी इसको चौरासीवें नंबर पर है छियासी साठ स्कोर के साथ और दक्षिण अफ्रीका तिरपनवें नंबर पर है एक स्कोर के साथ चाइना आप देखेंगे छियासठवें नंबर पर है उन्यासी स्कोर के हिसाब तो ये भी आप लोग याद रखना चाहिए भारत को वर्ष दो हजार के सूचकांक में चौरासीवें स्थान प्राप्त हुआ था ये आप देखिए क्वार्टर टू में भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व बीजा के विश्व के साठ देशों की यात्रा कर सकते हैं समझ रहे हैं आप लोग तो हमारी कमजोर स्थिति है आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि देखिए इस तरह के इंडेक्स आते हैं जो रिपोर्ट आती हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको जरूर अपने पास रखनी होगी क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमेशा पूछे जाते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 को देख लीजिए यानी कि कौन कितना खुश है समझ रहे हैं आप तो 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी कब पहली बार 2012 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषनी विकास समाधान नेटवर्क की एक पिकासन है और इसमें गैलव वर्ल्ड पोल द्वारा फिदत डेटा का उपयोग किया जाता है तो इसे आप देखिए कि किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है ये संयुक्त राष्ट्रीय पो, विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा गैलव वर्ल्ड पोल द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसका उपयोग करके इसे जारी किया जाता है 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में गैलअ वर्ल्ड वर्ल्ड पोल द्वारा विद्युत डाटा का उपयोग किया गया है और 2022 में इस रिपोर्ट का दसवा संस्करण जारी किया गया है 2022 में ये दसवा संस्करण है और इस रिपोर्ट जिन कारकों पर आधारित है ये निम्न है और इसमें आप देखिए कि स्टेट में और सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो विश्व आपकी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना इसे बनाने में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सामाजिक अवलंबन स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा जीवन में वैकल्प चुनने की स्वतंत्रता उदारता भ्रष्टाचार बोध इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट में कुल एक देशों को शामिल किया जाता है कितना 140 और आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में रैंकिंग हेतु 2019 से वर्ष 2021 तक के अर्थात तीन वर्ष के गलभ वर्ल्ड पोल के डाटा का उपयोग किया गया है और आप देखिए कि शीर्ष पांच सबसे अधिक प्रसन्न देश कौन है फिनलैंड आप देखिए सात दशमलव आठ आठ सौ इक्कीस स्कोर के साथ डेनमार्क आप देखेंगे दूसरे नंबर पर सात दशमलव छः सौ छत्तीस इसकोर के साथ आइसलैंड तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड चौथे नंबर पर नीदरलैंड पाँचवें नंबर पर तो टॉप थ्री को याद रखिएगा फिनलैंड पहली डेनमार्क दूसरे आइसलैंड तीसरे नंबर पर आइसलैंड कितने तीसरे तीसरे स्थान पर है और आप देखेंगे सबसे बुरी स्थिति सबसे कम खुशहाल अफगानिस्तान एक सौ छियालीसवें स्थान पर है और आप देखेंगे एक सौ स्थान पर लेबनान है एक सौ नंबर पर जिम्बावे है एक सौ नंबर पर रवांडा है एक सौ नंबर पर बोत्सवाना है तो नीचे से टॉप कौन कर रहा है अफगानिस्तान नीचे से टॉप अफगानिस्तान कर रहा है और डब्ल्यू एच आर में भारत को एक सौ स्थान मिला है तो हमारी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है अब एक देशों की कोई लिस्ट बनी है उसमें हमें एक स्थान मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बुरी स्थिति होगी और जिसकी शकल आप लोग देखिए उसकी उत्तरी ही मिलती है डब्ल्यू एच आर दो में भारत को एक सौ उनतालीसवा इस, स्थान मिला था तो एक से हम देखेंगे एक पर आए थोड़ा बहुत सुधार हुआ और 2022 में लगातार पांचवी बार फिनलैंड सर्वाधिक पेशान्य देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है कौन फिनलैंड तो ये भी याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्वस्थ हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021 को भी देख लीजिए ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है 14 मार्च 2022 को स्टॉक होम इंटरनेशनल फीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सस्त हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और 2017 से 21 में प्रमुख सस्तों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2012 से 16 की तुलना में छः दशमलव आठ प्रतिशत की कमी आई है जबकि 2007 से 2008 की तुलना में 2007 से 2011 की तुलना में तीन दशमलव नौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और आप देखेंगे कि 2017 से 21 के अवधि में विश्व के पांच सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश निर्यात करने का मतलब होता है कि हम लोग बेच रहे हैं दूसरे को, देशों को भेज रहे हैं आयात का मतलब होता है हम लोग खरीद रहे हैं तो इसमें सबसे पहले अमेरिका रूस फ्रांस चीन जर्मनी है और संयुक्त रूप से ये पाँच देशों वर्ष देश वर्ष दो से इक्कीस में प्रमुख शस्त्रों के निर्या कुल निर्यात के सतहत्तर के लिए उत्तरदायी हैं पाँच देश जिसमें अमेरिका टॉप पर है रूस फिर फ्रांस चीन और जर्मनी 2017 से 2021 में विश्व में सस्तों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का सस्ते निर्यात सकल विश्व का उनतालीस परसेंट प्रतिशत है और आप देखें कि 2017 से 21 की अवधि में विश्व के पांच सबसे बड़े सस्त आयातक देश यानी कि खरीद रहे हैं इसमें भारत सबसे ऊपर है सऊदी अरब अरब मिस ऑस्ट्रेलिया और चीन का नंबर आता है तो पहले नंबर पर हम लोग खरीदने में और बेचने में अमेरिका टॉप पर है ठीक है संयुक्त रूप से पांच देश प्रमुख सस्तों के कुल आयात के अड़तीस प्रतिशत हिस्से के लिए उत्तरदायी है आयात के भारत विश्व में प्रमुख सस्तों का सबसे बड़ा आयातक देश है रूस वर्ष दो से इक्कीस में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है यानी कि कहने का मतलब है हम लोग सबसे ज्यादा किससे खरीदते हैं रूस से भारत के कुल सस्त आयात में रूस की हिस्सेदारी छियालीस परसेंट है यानी कि सौ परसेंट अगर हम लोग हथियार खरीद रहे हैं तो उसमें से छियालीस परसेंट हम लोग रूस से खरीद रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि रूस हमारा पुराना मित्र है एक तरह से 2017 से 2021 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस भारत की कुल शस्त्र आयात में 27 परसेंट हिस्से हेतु उत्तरदायी है दूसरे नंबर पे हो अमेरिका पे तीसरे नंबर पर 12 परसेंट तीसरे स्थान पर 12 परसेंट हथियार हम लोगों को देता है 2017 से 2021 के दौरान वैश्विक सस्त्र निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जीरो थी और भारत विश्व में हथियारों का तेईसवा सबसे बड़ा निर्यातक है हम लोग समझ रहे हैं आयातक में पहले नंबर पर और निर्यातक में हम लोग तेईसवें नंबर पर हैं और जब हम लोग देखिए आयातक में तेईसवें नंबर पे होंगे और निर्यातक में माफ करिए आयात तक में हम लोग क्या होंगे तेईसवें नंबर पे होंगे और निर्यातक में हम लोग पहले नंबर पे होंगे उस समय हमें खुशी मनाने की एक तरह से बात होगी हमारे लिए कि हम सबसे ज्यादा बेच रहे हथियार हमें खरीदने की जरूरत कम ही पड़ रही है दो से दो की तुलना में 2017 से 2021 में भारत द्वारा सस्तों के निर्यात में एक सौ उन्नीस की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है एक सौ उन्नीस परसेंट भारत से हथियार प्राप्त करता शेष देश आप देखें क्रमशः म्यांमार हो गया श्रीलंका होगा आर्मेनिया हो गया, गया। हमसे जो हमारे पड़ोसी हैं चाहे म्यांमार हो वो पचास परसेंट हमसे हथियार खरीदता है और वैश्विक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक दो को देख लीजिए इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिजिम में इंडेक्स 2022 जारी किया गया है और फर्स्ट जारी किए जाने वाली सूचकांक का यह नौवा संस्करण है कौन सा नौवा संस्करण है और यह सूचकांक विश्व के एक देशों वैश्विक जनसंख्या का निन्यानवे दशमलव सात परसेंट में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करता है इसमें एक देश शामिल है और रिपोर्ट के अनुसार दो में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या सात दर्ज की गई है कितनी सात ये आंकड़े 2020 की तुलना में एक दशमलव एक प्रतिशत की गिरावट को दर्शाते हैं यानी कि पिछले साल की तुलना में 2020 की तुलना में इस साल कम एक तरह से ये आतंकवाद में मरने वालों की संख्या हुई है लेकिन मामूली सी गिरावट है रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट आई आईएस पर 2021 में विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह है आप समझ रहे हैं आईएस और नवीनतम सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष अफगानिस्तान स्कोर नौ दशमलव एक सौ नौ सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा है और आप सभी जानते हैं कि क्या हाल है और अब तो ऐसा भी माना जाता है कई लोग इस बात को मानते हैं कि जो तालिबान है वो खुद आतंकी संगठन है सूचकांक में भूटान सिंगापुर संयुक्त अरब अमीरात बेलारूस समेत इकहत्तर देशों को शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है आप समझ रहे हैं भूटान हो सिंगापुर हो आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश देख लीजिए अफगानिस्तान पहले पर है इराक दूसरे पर है सोमालिया तीसरे पर है चौथे पर बुरकीना फासो है नंबर पर सीरिया है छठवें पर नाइजीरिया है सातवें पर माली है आठवें पर नाइजीरिया है नाइजर nice है माफ करिए आठवें नंबर पर नाइजिया और नौवें नंबर पर म्यांमार दसवें नंबर पर आपका पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान तो आप सभी जानते हैं पहले नंबर पर लेकिन अफगानिस्तान है क्या है अफगानिस्तान है और आप देखेंगे कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 2022 में भारत को बारहवा स्थान मिला है इसको सात दशमलव चार तीन दो रहा है तो हम लोग बारहवें स्थान पर हैं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो तो हम बारहवें स्थान पर रहेंगे आप देखते हैं आतंक आए दिन सुनते रहते हैं आतंकी घटनाएं है। मेढा गास्कर सी का नया सदस्य आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन राष्ट्रीय सरकारों संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों व कार्यक्रमों बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र एवं शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक साझेदारी है तेईस दो हजार को न्यूयॉर्क में आयोजित जलवायु कार्यवाही दिवस वार्ता दो हजार उन्नीस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की थी और सी डी आर सी डी आर आई का सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा हमारी राजधानी में मार्च 2022 में, में मेडागास्कर गास्कर सी डी आर आई का नया सदस्य बन गया है और इस प्रकार अब सी डी आर आई के सदस्य देशों की संख्या 30 हो गई है इन तीस देशों के अतिरिक्त सात अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके सदस्य हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया एशियाई विकास बैंक विश्व बैंक समूह यूएनडीपी आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा प्रतिरोधी सोसाइटी हेतु निजी क्षेत्र गठबंधन जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन यूरोपीय संघ इसमें शामिल है और याद रखिए सी डी आर आई के बारह संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रेलिया भूटान फिजी इंडोनेशिया इटली जापान मालदीप मेक्सिको, मंगोलिया रवांडा, और यूके गतिविधियों की, इन, इन गति की रोकथाम हेतु इस अंतर सरकारी निकाय द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्धारण किया जाता है और वर्ष उन्नीस में पेरिस में आयोजित जी सेवन शिखर सम्मेलन में सम्मिल राष्ट्रों की एक, की पहल पर एफ ए टी एफ की स्थापना हुई थी और दो, दो से चार मार्च 2022 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियर एक्शन टास्क फोर्स की छठी पूर्ण बैठक संपन्न हुई है कौन सी छठवीं नंबर की और आप देखेंगे इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात को एफ ए टी एफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया जिम जबकि जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया वहीं पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का निर्णय लिया गया वर्तमान में कुल तेईस देश हैं जो ग्रे सूची में शामिल हैं। और याद रहे 2018 से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के विपोषण को रोकने में विफल रहने के कारण इस सूची में शामिल है और ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे कि जोरी डिकसन अंडर इनक्रीड मोनीटोर के नाम से भी जाना जाता है और आप देखेंगे इस सूची में शामिल देश एफ के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हैं जिससे उनकी शासन पद्धति में उपस्थित नागरिक कम रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद वित्तपोषण एवं पिसार आदि से सफलतापूर्वक निपट कर सकें याद रहे कि इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है और इसे भविष्य में ब्लैक सूची में भी शामिल किया जा सकता है और ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क जो जोरिश डिक सब्जेक्ट टू ए कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है वर्तमान में ईरान डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ब्लैक सूची में शामिल है उत्तर कोरिया और ईरान समझ सकते हैं क्या ऐसा हाल है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक से जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं इससे जरूर आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है और आप देखिए इन दोनों देशों के बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी अपने पास रखनी चाहिए रूस यूक्रेन टकराव एक लंबे समय से आप देख रहे हैं यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रूस का हिस्सा रहा है और सोवियत संघ के पतन के बाद भी यूक्रेन में रूसी भाषा संस्कृति के लोगों का प्रभाव रहा है पर रूस यूक्रेन टकराव का प्रमुख कारण शीत युद्ध खात्मे के बाद से है मुख्यतः सोवियत संघ के के पतन के 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 पतन के बाद लगभग पूर्वी यूरोप देशों या शीत युद्ध दौरान सोवियत प्रभाव में रहे देशों को नाटो नॉर्थ अटलांटिक टीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने की कोशिश है और आप देखिए कि इसके दो पक्ष हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी देश होता अगर यूक्रेन इस तरह का कदम उठाता है तो वो जरूर आक्रमण करता उसे रोकने की कोशिश करता क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर नाटो जो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है अगर आपकी सीमा के पास रहेगी तो आपको बुरा लगेगा ही और वैसा ही हाल है कि आप देखिए कि आपका पड़ोसी है कोई और वो आकर आपके दुश्मनों को बसाने लगे आसपास आपके तो आप जलेंगे तो जवाब तो कुछ देंगे तो वही रूस ने किया है लेकिन आप देख रहे हैं कि हाँ जान मान की हानि हो रही है लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर अपना सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है और रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं की है रूस के सैन्य ऑपरेशन का लक्ष्य यूक्रेन के विसैन्यीकरण का विसैन्यीकरण है और आपको एक और बात बता देता हूं दिलचस्प बात है देखिए नाटो की बात कर लीजिए या बाकी देशों की दुनिया आप देखते हैं कि वो कहता रहता है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कहावत बड़ी अच्छी है हमारे बुंदेलखंड में कि वो भावरें यानी कि शादी में भावरें पड़ती हैं ना फेरे पड़ते हैं ना वो उसके लिए आप देखिए लड़की और लड़का जिसे दूल्हा दुल्हन कह देते हैं आप लोग इनका होना ज़रूरी रहता है इन्हीं से भावरें पड़ती हैं तो आप देख रहे हैं रूस को उकसाते सभी देश रहे और भुगतना अब रूस के लोगों को पड़ रहा है रूस को पड़ रहा है और आप देखिए इस युद्ध के बाद रूस कितने माफ करिए यूक्रेन की बात कर रहा करो यूक्रेन कितने साल पीछे चला गया क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन को झेलनी पड़ रही है 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य टकराव में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के मुताबिक 3000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं जबकि तकरीबन 40 लाख लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है इसमें नब्बे फीसदी महिलाएं और बच्चे हैं संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अन्य पैंतालीस पैंसठ लाख लोग यूक्रेन के भीतर विस्थापित हुए हैं एक बात और आपको बता देता हूँ देखिए क्या रहता है कि आपको मालूम होगा कि जब कोई ताकतवर देश अभी आप देखिए कोई नॉर्मल देश के बीच लड़ाई हो रही होती उस पर हजारों प्रतिबंध लगा दिए जाते और इसीलिए आप देखिए कि यूएन भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है और स्थायी सदस्य भी है आप सभी जानते हैं सुरक्षा परिषद का रूस रूस यूक्रेन टकराव के समय में विश्व की शक्ति संतुलन कुछ इस तरह है अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोप देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं रूस पीछे ही नहीं हट रहा है रूस के इस हमले पर बे, का बेलारूस सीरिया म्यांमार और उत्तर कोरिया ने खुलकर समर्थन किया है चाइना तो करेगा ही और जब अब आप देखेंगे क्यूबा वेनेजुएला ने इस संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा कर परोक्ष रूप से रूस का समर्थन किया है और इसलिए अलग इससे अलग कजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान आदि मध्य एशियाई देश चीन भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने तटस्थ रहकर रूस की कार्यवाही का मौन समर्थन किया है हम लोग कुछ बोल नहीं रहे ना हम लोग विरोध कर पा रहे हैं और विश्व में शीर्ष दस शक्तिशाली देश देख लीजिए यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बी ए ग्रुप और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वराहटन स्कूल के द्वारा संयुक्त रूप से विश्व के शक्तिशाली देशों की एक सूची तैयार की गई जिसमें साइंस गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन राजनीतिक विभाव आर्थिक विभाव नेतृत्व जैसे मानदंडों के आधार पर देश की रैंकिंग दी गई है इस सूची के अनुसार 2021 को के शीर्ष दस शक्तिशाली देशों में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका चीन रूस जर्मनी यूनाइटेड किंगडम जापान फ्रांस दक्षिण कोरिया सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है और भारत इस सूची में तेरह स्थान पर है आप समझ रहे हैं और पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है दूसरे पर चाइना हमारा पड़ोसी है 2020 में बीस दशमलव तिरानवे ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पर और सात सौ बिलियन डॉलर के सबसे बड़े सैन्य बजट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आप जानते भी हैं लेकिन अमेरिका भी आप देखिए बहुत शक्तिशाली अमेरिका नहीं बचा है अफगानिस्तान में क्या हुआ ईरान में क्या हुआ आप सभी देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक दो विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ष दो हजार से जारी किया जा रहा है और इसमें आप लोग अगर देखें तो फरवरी 2022 में यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक दो दसवां बार संस्करण वार्षिक संस्करण है इस सूचकांक में भारत मिला है, 43। में को तैंतालीसवां स्थान में लाए फोर्टी थ्री और नवीनतम सूचकांक में विश्व की पचपन अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया इस सूचकांक में पचास विभिन्न संकेतकों के आधार पर पचपन देशों में बौद्धिक संपदा और संरचना का मूल्यांकन किया गया है इसमें टॉप पर देखिए सीरीज पाँच देश संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है ये पंचानवे दशमलव अड़तालीस स्कोर के साथ यूनाइटेड किंगडम दूसरे पर जर्मनी तीसरे पर स्वीडन चौथे पर फ्रांस पांचवे पर संयुक्त राज्य अमेरिका पहली डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन चार व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त बारह मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है जिसका विवरण विधि का नियम संपत्ति का अधिकार सरकारी सत्यनिष्ठा न्यायिक प्रभावशीलता सरकार का सरकारी खर्च कर का बोझ राजकोषीय स्थिति नियामक दक्षता इसमें व्यवसायिक स्वतंत्रता श्रम स्वतंत्रता मौद्रिक स्वतंत्रता खुले बाजार ओपन मार्केट और व्यापार स्वतंत्रता और निवेश निवे स्वतंत्रता वित्तीय स्वतंत्रता चौदह फरवरी 2022 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया इस सूचकांक का अट्ठाईसवां संस्करण है सूचकांक का अट्ठाइसवा संस्करण है इस सूचकांक के अंतर्गत एक जुलाई दो हजार बीस से तीस जून दो के दौरान विश्व के चौरासी स्वायत देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है आपके सामने एक सौ भी आप लोग याद रखिएगा सात देशों सिंगापुर स्विट्जरलैंड आयरलैंड न्यूजीलैंड लंजमबर्ग ताइवान और एस्टोनिया को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है सिंगापुर समझ रहे हैं तो आप लोग और पचास दशमलव पचास से उनसठ दशमलव नौ के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाले वाली संतावन अर्थव्यवस्थाओं को गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है भारत विराजी अर्जेंटीना जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में है हम लोग गैर स्वतंत्र की श्रेणी में है सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में दो में भारत को एक सौ स्थान मिला है तिरपन दशमलव नौ स्कोर के साथ तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी बुरी है एक कोई अच्छी थोड़ी है फिर आप देखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात हो रही दो हजार इक्कीस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वैश्विक स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तरों के तुलनात्मक आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण मानक है जो संबंधित देशों के भीतर और बाहर उद्यमियों एवं विश्लेषकों से प्रश्न पूछकर सर्व सर्वेक्षण विधि द्वारा तैयार किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है द्वारा उन्नीस से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया है इस सूचकांक में कुल 180 देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है यह सूचकांक के जीरो से सौ अंकों तक विस्तारित है जिसमें जीरो का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट और सौ का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार और आप देखिए हमारी स्थिति क्या है इस सूचकांक में किसी भी देश को पूर्णता भ्रष्टाचार मुक्त होने का स्कोर जैसा स्कोर नहीं मिला है यानी कि पूरी तरह से ईमानदारी भ्रष्टाचार ना चलता हो ऐसा कोई देश नहीं है कोई भी देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अंक का स्कोर अर्जित नहीं कर सका सूचकांक में शामिल देशों का औसत स्कोर आप देख रहे हैं 43 है जबकि क्षेत्रीय आधार पर पर पश्चिमी यूरोप यूरोप यूरोपीय यूनियन स्कोर के साथ टॉप है यूरोप काफी आप देखेंगे आगे जब उप सहारा फीका तैतीस परसेंट के स्कोर के साथ निम्न स्थान पर है, नीचे और मुझे ऐसा लगता है देखिए जो जितना गरीब देश है वहां ज्यादा भ्रष्टाचार चलता है समझ रहे हैं आप लोग वहां ज्यादा आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा और इस सूचकांक में डेनमार्क फिनलैंड और न्यूजीलैंड अठासी अंकों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है डेनमार्क फिनलैंड और न्यूजीलैंड और आप देखते हैं अधिकतर सूचकांक आते हैं तो उसमें यूरोप के देश ही आप देखें टॉप पर देखने को मिलेंगे इस सूचकांक में केवल ग्यारह अंक प्राप्त कर सूडान दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर देखने को मिलेगा एक सौ इक्यासी स्थान पर इस सूचकांक में भारत को मालदीव के साथ संयुक्त रूप से पचासी भी रैंकिंग मिली है इन दोनों देशों को सूचकांक का स्कोर चालीस है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति पचासी है कोई अच्छी नहीं है एक कहते रहना चाहिए पहले नंबर पर है होते दसवें नंबर पर होते तो हम लोग टॉप टेन में होते तो कह सकते थे दुर्गा पूजा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की सोलहवीं वार्षिक बैठक तेरह से अठारह दिसंबर 2021 के मध्य पूर्णता ऑनलाइन माध्यम से हुई है कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन ही हो रहा है सब इस बैठक के दौरान कुल सैंतालीस नए विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में एक देशों की छः विरासतें शामिल हैं छः और वार्षिक बैठक के दौरान कोलकाता को की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है दुर्गा पूजा पूजा भारत की चौदहवीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूल सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपरा रामलीला रामायण की परंपरा प्रस्तुति ये दो में वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा दो हज़ार आठ में कुटीयतम संस्कृति का नटकला ये दो हजार में रमन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 में मुड़ी एटू केरल का अनुष्ठान अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक 2010 में काल वेलिया राजस्थान का लोकगीत नृत्य ये दो हजार में और छऊ नेत ये पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पिछले थे 2010 में लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर जम्मू एवं कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ दो में संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन और ढोल वादन नृत्य दो में पंजाब के जंडियाल गुरु के ठीरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों का शिल्प दो हजार चौदह योग दो हजार सोलह में नवरो नव वर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में ये सभी आप लोगों को जरूर याद रखना होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुंभ मेला को 2017 में और कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में ठीक है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 को देख लीजिए वर्ष उन्नीस सौ उन्नीस सौ तेईस में का द्वारा वर्ष उन्नीस से हर साल पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है और वर्ष उन्नीस में पहला पर्सन ऑफ द ईयर तत्कालीन परिप्रेक्ष में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लेंडवर्ग को चुना गया था ये भी याद रखिएगा इस पत्रिका के संपादक द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति समूह या विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने जिन्हें वर्ष उन्नीस में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था महात्मा गांधी समझ रहे हैं दो और चौदह दो के टाइम ऑफ पर्सन द ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था और आप देखेंगे तेरह दिसंबर 2021 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2021 के टाइम ऑफ द परस ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है 2021 में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है मस्क अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक और सी ईओ है इसके अतिरिक्त विद्युत वाहन क्षेत्र से संबंधित कंपनी टेस्ला एंग के भी सीई हैं आप सभी जानते होंगे एलन मस्क के पास तीन देशों के दक्षिण अफ्रीका अमेरिका और कनाडा की भी नागरिकता है आप समझ रहे हैं यहाँ अपने पास एक ही है और विदेतों की है और याद रहे 2021 में टेस्ला ने एक ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया जिससे मस्क सर्वकालिक सबसे अमीर व्यक्ति बन गए टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ अन्य प्रमुख श्रेणियों में विश्व को प्रभावित करने वाली विजेताओं की भी घोषणा की गई है और हीरोज ऑफ द ईयर वैक्सीन वैज्ञानिक मैरी मेरेकल वर्कर्स के नाम से अभी है थे और एंटरटेनर ऑफ द ईयर ओलिविया रोडेगो अमेरिकी गायिका है एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन वाइज ये अमेरिकी जिमनास्ट हैं तो ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी-बड़ी बातें हैं पेपर के हिसाब से वर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2021 हेतु वैक्स वैक्स को वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है बोलचाल की भाषा में इसे वैक्सीन या वैक्सीनेशन के संदर्भ में पेय किया जाता है मैरियम वेब इस्टर डिक्शनरी द्वारा वैक्सीन को वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा एन को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है एन का मतलब होता है नॉन फंजीबल टोकन और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा परस परस्बेरस बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है चलिए इसे भी याद रख लीजिए अब बात करते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक पहला ऐसा इस साधन है जो विश्व के एक सौ कितना एक सौ तिरानवे नहीं एक सौ पंचानवे देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं समृद्ध क्षमताओं का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है और सूचकांक में शामिल एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के पक्षकार हैं

द विलोम स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट के सहयोग से किया है यह सूचकांक छः श्रेणियों में विभक्त है सैंतीस संकेतकों और छियानवे उपसंकेतकों और एक सौ इकहत्तर फिसलों के आधार पर एक सौ पंचानवे देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का आकलन करता है इस सूचकांक में छः श्रेणियाँ शामिल हैं रोकथाम पहचान एवं रिपोर्टिंग त्वरित प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली क्या स्वास्थ्य प्रणाली और आप देखेंगे कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन जोखिमपूर्ण पर्यावरण सूचकांक में सीस पाँच देख देख लीजिए आप देखेंगे कि यू एस टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर तीसरे पर फिनलैंड चौथे पर कनाडा और पाँचवे पर थाईलैंड तो टॉप तीन को याद रखिए यू पहले ऑस्ट्रेलिया दूसरे फिनलैंड तीसरे और वैसे याद रख सकते हैं तो मैं तो कहता हूँ सब कुछ रखी, याद याद रखिए इनका स्कोर याद रख सकते हैं 2019 में आप देखेंगे यूएसए पहले नंबर पर था ठीक है तो ये टॉप पर यूएसए ही चल रहा है सूचकांक में नीचे से टॉप कौन कर रहा है एक में सोमालिया है और आप देखेंगे पिछली साल एक चौरानवे था इसका और एक सौ तिरानवे पर यमन है और एक सौ तिरानवे पर उत्तर कोरिया एक सौ बानवे पर सीरिया पर एक सौ इक्यानवे पर इक्वेटोरियल गिनी तो नीचे से सोमालिया टॉप कर रहा है ऊपर से यूएसए और भारत इस सूचकांक में छियासठवें स्थान पर है बयालीस दशमलव आठ के साठ दक्षिण एशियाई देशों में भारत स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है दक्षिण एशिया की बात हो रही है हम तो अगर दुनिया की बात हो तब अगर भारत टॉप पर हो तो अच्छी बात रहेगा चलिए तो भारत छियासठवें नंबर पर विश्व की सौ सबसे शक्तिशाली महिलाएं देख लीजिए सात दिसंबर दो को फोस् पत्रिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 जारी की है इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया है इस सूची का 18वां संस्करण है यह सूची का 18वां संस्करण है अमेजन के संस्थापक जेब बेजोस की पूर्व पत्नी पूर्व पत्नी मैकेजी स्कॉट ने सूची में सर्वोच्च स्थान हासिल किया इस सूची में 18 वर्षों के इतिहास में एकमात्र ऐसा अवसर है तीसरा अवसर है जब जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दूसरे और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड सूची में तीसरे स्थान पर हैं और इस, सूच, इस सूची के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में टेलर स्विफ्ट यूएसए सबसे युवा बत्तीस वर्ष की और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यूके सबसे उम्र राज पंचानवे वर्ष की महिला हैं इस सूची में, में सूची में चार भारतीय महिलाओं को, को जगह बनाई गई है भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस सूची में तैंतीसवें स्थान पर है। इस वर्ष की सूची में एस सी रोशनी नारर मल्होत्रा बावनवें स्थान पर हैं कौन सी फिफ्टी बायकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार सो बहत्तरवी स्थान पर और के फैशन उत्पाद क्षेत्र में ई कॉमर्स कंपनी नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर अट्ठासीवी स्थान पर हैं तो हमारे देश में वित्त मंत्री साहब निर्मला सीतारण सैंतीसवें नंबर पर टॉप पर हैं फिर आपका मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक और जिसे आप लोग शॉर्ट में एन कहते हैं स्थापना वर्ष दो में विकसित देशों ब्राजील भारत रूस चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी

बैंक द्वारा इस बैंक द्वारा अपने सदस्यों के विस्तार की शुरू की गई थी इसके तहत बांग्लादेश और में नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं में शामिल होने वाला चौथा नया देश है वर्ल्ड अंगली है वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 ई आई ई यू दिसंबर 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवास्तविक सर्वेक्षण है जो ई आई यू द्वारा संचालित किया गया है वर्ल्डवाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के आधार पर एक शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई कितने वन सेवन थ्री एक सौ तिहत्तर शहरों को रैंकिंग में न्यूवार शहर की को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में व्यहित चिन्हित किया गया है ई आई के सर्वेक्षण के अनुसार तेल अभी इजराइल विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है इसराइल का है इसके बाद सबसे महंगे शहरों में कैरेंगे में पेरिस फ्रांस और सिंगापुर के संयुक्त रूप से दूसरा स्थान है दविश सीरिया की राजधानी विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है अहमदाबाद गुजरात को सबसे सस्ते शीर्ष दस शहरों में सूचीबद्ध किया गया है एक शहरों की रैंकिंग में अहमदाबाद को एक सौ स्थान मिला है और विश्व के 10 सबसे महंगे शहर देख लीजिए तेल अभी इजराइल का है पेरिस दूसरे नंबर पर फ्रांस का है सिंगापुर तीसरे पर है सिंगापुर का है ज्यू रिक ए स्विट्जरलैंड का है चौथे पर हांगकॉग चीन का है पाँचवीं पर छठवे पर न्यूयॉर्क है यू का जेनेवा सातवें नंबर पर स्विट्जरलैंड का कॉपेन हैगन आठवीं डेनमार्क का है लॉस एंजल्स यूएसए में है नौवीं नंबर पर ओसाका जापान में है दसवें नंबर पर तो टॉप पर आप देखिए तेल अबीब ए इज़राइल का है हांगकॉन्ग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है आप सभी जानते होंगे फिर अगला टॉपिक है आपका विश्व प्रतिभा रैंकिंग दो दिसंबर 2021 में आई एम डी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 जारी की गई इस रैंकिंग के तहत किसी देश की अपने घरेलू प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है और आप देखेंगे आईएमडी ने विश्व प्रतिभा रैंकिंग को तीन कारकों के आधार पर तैयार किया निवेश और विकास तत्परता और अपील अपील और इन तीन कारकों में 31 मानदंड शामिल हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में व्यक्ति मध्यम व उच्च आय वाली 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है 2017 से वर्ष 2021 के मध्य रैंकिंग की प्रवृत्ति के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्य व पूर्वी यूरोपीय देश विश्व में सबसे अधिक प्रतिभा इस बने हुए हैं रैंकिंग में पांच टॉप देश हैं स्विट्जरलैंड 2020 में भी टॉप पर था और 2021 में भी टॉप पर है स्वीडन 2021 में दूसरे नंबर पर है लग्जमबर्ग 2021 में तीसरे नंबर पर है नॉर्वे 2021 में चौथे नंबर पर डेनमार्क पाँचवें नंबर पर है ये क्या रहता है कि पिछले साल का भी पूछ लेता है कई बार रैंकिंग में अंतिम पाँच देश ब्राज़ील साठवें नंबर पर है और पिछले बार उनसठवें स्थान पर था इकसठवें स्थान पर आप देखेंगे मंगोलिया है बासठवें स्थान पर पेरू है तिरसठवें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है और चौसठवें स्थान पर बेनविज्वला है और इस सूची में सूचकांक में सम्मिलित चौंसठ देशों की सूची में भारत को एक सौ छप्पनवासौ छप्पनवास का नवीनतम गणराज्य बना है बार्बाडोस दक्षिण पूर्व के रिबियन सागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है इसकी राजधानी ब्रिट टाउन है इसके उत्तर में सेंट लूसिया पश्चिम में सेंट बेसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस ग्रेन ग्रेनाडाइंस और दक्षिण में त्रीन दाद और टोबेगो स्थित है बारवाडोस बार सोलह में एक ब्रिटिश उपनिवेश बना था और 30 नवंबर उन्नीस सौ छियासठोस को वेटिन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और वेटिन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उन्नीस में यह राष्ट्रमंडल का सदस्य बना और बारवाडोस बार कैरिबियन समुदाय का अंग है जिसका गठन उन्नीस में किया गया था और तीस नवंबर दो इक्कीस को बारवाडोस बार विश्व का नवीनतम बड़ राज्य बन गया है इसके साथ ही यहाँ तीन सौ छियानवे वर्षो के ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई है भारत कब बना आप लोग बताइए आजादी कब मिली और गणतंत्र कब बना ये आप लोगों को जरूर बताना होगा नीचे कमेंट में लिखना होगा आपको अब आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बारबाडोस की राष्ट्र प्रमुख नहीं होंगी हालांकि यह देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा तीस नवंबर 2021 को ही सैंड्रा मैसन बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की इन्होंने और याद रहे, रहे राष्ट्रपति बनने से पूर्व सैंड्रा बारबाडोस की अंतिम गवर्नर जनरल और देश में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी

पर देशों को अंक प्रदान करता है सक, सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत और सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता रिश्वत विधि रोध और तो उसका परिवर्तन मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता और देशों को 1 से 100 के बीच अंक प्रदान दिए जाते हैं और सबसे कम एक एक सबसे कम जोखिम और सौ उच्चतम जोखिम वाला का प्रतिनिधित्व करता है यानी कि सौ बुरी स्थिति में हो सबसे कम एक ठीक है एक सत्रह नवंबर 2021 को वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया है इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस टी आर ए सी ई द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में एक देशों को शामिल किया गया है टोटल एक देश हैं शेष पाँच देश देखें डेनमार्क स्कोर दो है इसका पहले स्थान पर है नॉर्वे पाँचवें स्थान पर है माफ करिए पाँच स्कोर है दूसरे स्थान पर है स्वीडन तीसरे स्थान पर है सात स्कोर के साथ और चौथे स्थान पर फिनलैंड है सात स्कोर के साथ पाँचवें नंबर पर न्यूजीलैंड है आठ स्कोर के साथ तो डेनमार्क टॉप पर है नॉर्वे दूसरे पर स्वीडन तीसरे पर डेनमार्क पहले पर है याद रखिएगा और विक्स देशों की स्थिति देखें तो इक्यानवे नंबर पर ब्राज़ील है और एक नंबर पर रूस है बयासी नंबर पर भारत है चवालीस स्कोर के साथ एक स्थान पर चीन है छप्पन स्कोर के साथ न उनसठवें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है उनतालीस स्कोर के साथ तो ये भी याद रखिएगा अगला है आपका लेटा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है और याद रखिए लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित एक लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता की विस्तार को बढ़ावा देता है हाल ही में आप देखेंगे लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक दो जारी किया गया यह सूचकांक पंद्रहवा संस्करण है और विश्व समृद्धि सूचकांक सात क्षेत्रों के एक देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और एक देश विश्व के निन्यानवे दशमलव चार प्रतिशत आबादी को समाहित करते हैं और समृद्धि सूचकांक तीन कार्य क्षेत्रों बारह स्तंभों सोलह सड़सठ तत्वों और 300 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है एक तरह से सूचकांक और वर्ष 2021 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है तो याद डेनमार्क टॉप पर है एक स्कोर के साथ डेनमार्क एक पर है नंबर पर एक पर नॉर्वे दूसरे पर है स्वीडन तीसरे पर फिनलैंड चौथे पर स्विट्जरलैंड पांचवे पर है, एक तीन है, में, भारत में है इसे में स्थान मिला है जबकि वर्ष 2020 हजार बीस में एक सौ स्थान पर था अब सोचिए हमारा क्या है स्थान है एक सौ क्या कर सकते हैं विश्व समृद्धि सूचकांक में हमारा नंबर एक तीन तीनवा पिछले साल था एक इस बार एक सौ एक वालिए दो खुशी मना लीजिए कि दो ऊपर अंक हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं कहा ऊपर पहुंच चुके हैं और क्या कह सकते हैं इस सूचकांक में वर्ष 2021 में उत्तरी अमेरिका विश्व का संब, सर्वाधिक समृद्धि क्षेत्र है समृद्ध क्षेत्र है अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक स्वतंत्र साधन है

बीस प्रतिशत जलवायु नीति कोल स्कोर का बीस प्रतिशत है और सीपी सी पी, सी सी पी आई, 2022 में शीर्ष तीन स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका और शीर्ष तीन स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए और कोई भी देश वैश्विक तापन को एक दशमलव पाँच डिग्री की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है और आप देखेंगे कि किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है तो ये भी आप लोग याद रखना चाहिए आपको और डेनमार्क ने सी सी पी आई में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में चौथा स्थान स्थान हासिल किया है छिहत्तर दशमलव सड़सठ हासिल किया है कजाकिस्तान स्कोर उन्नीस दशमलव तेईस को सूचकांक में अंतिम चौंसठवा स्थान मिला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को दसवां स्थान मिला है उनहत्तर दशमलव बीस स्कोर के साथ और 2020 की रिपोर्ट में नौवें स्थान पर था 2021 में हम लोग दसवें स्थान पर थे और इस बार भी दसवें स्थान पर हैं और सी सी पी आई दो हज़ार बाईस में सीस टॉप देश देख लीजिए डेनमार्क चौथे पाँचवें पर आपका स्वीडन छठवें पर आपका नॉर्वे सातवें यूनाइटेड किंगडम आठवें मोरक्को नौवें चिली और दसवें ब्राजील दसवें भारत दसवें नंबर पर भारत अब बात करते हैं वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक दो के बारे में ये सूचकांक और रिपोर्ट इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक एक अद्वितीय उपकरण है जो प्रत्येक देश की राष्ट्रीय स्तर की औषधि नीतियों का दस्तावेजीकरण मापन और तुलनात्मक अध्ययन करता है मानव अधिकारों स्वास्थ्य तथा विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप देश की औषधि औषधि नीतियों और उनके कार्यान्वयन के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है और 8 नवंबर 2021 को हार्म रिडक्शन कंसोर, कंसोर्टियम द्वारा वैश्विक ड्रग्स नीति सूचकांक दो जारी किया गया है पांच आयामों में विस्तृत पचहत्तर के संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक का निर्माण किया जाता है और यह सूचकांक विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में फैले तीस देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है कितने तीस इस रैंकिंग में सीस पाँच देख देख लीजिए नॉर्वे क्रमशाह पहले पर न्यूजीलैंड फिर उसके बाद पुर्तगाल यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया तो नॉर्वे पहले पर है और याद रहे इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कुल 30 देशों में 18वें स्थान पर रही है हम लोग 30 में से 18वें स्थान पर हैं यानी कि अभी भी कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति नहीं है अब आप लोग कहोगे कि अच्छी स्थिति क्या होती है तो ये तो आप सभी जानते हैं श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हुआ है यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क को वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था इसका उद्देश्य ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने अपने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मक रचनात्मकता को एक रणनीतिक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क में निम्न सात रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल किया गया है हस्तक्षिल हस्तशिल्प व लोक कलाएं डिजाइन फिल्म पाक कला साहित्य मीडिया आर्ट संगीत और इसके बारे में आप लोग याद रखिए आठ नवंबर 2021 को यूनेस्को ने विश्वभर के उनचास नए शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया है अब इस नेटवर्क में कुल 90 देशों में देशों के पंचानवे शहर हो गए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत के छह शहर शामिल हैं 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को की घोषणा के अनुसार श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया और इसे शिल्प और लोक कलाओं का एक रचनात्मक शहर नामित किया गया है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह छठा भारतीय शहर है और पूर्व मुंबई चेन्नई हैदराबाद वाराणसी जयपुर को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है और आप देखेंगे मुंबई को इस फिल्म के क्षेत्र को फिल्म के क्षेत्र में जबकि हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में और यूनेस्के यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है इकत्तीस अक्टूबर 2017 को चेन्नई को उसकी समृद्ध संगीत परंपरा शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली के लिए यह दर्जा मिला था और जयपुर का चयन हस्तशिल्प और लोक कला तथा वाराणसी का चयन संगीत के श्रेणी में किया गया

और इस रैंकिंग में विश्वभर की कुल 18 देशों के छः सौ सता देशों के छः संस्थानों को शामिल किया गया है इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय चीन मुख्य भूमि एक के हैं छब्बीस हैं इसमें और इस दृष्टि से 116 विश्वविद्यालयों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाले सीस पाँच देश चीन मुख्य भूमि अब देखेंगे 126 भारत 116 जापान 108 दक्षिण कोरिया 88 पाकिस्तान से सैंतालीस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे वर्ष एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है और रैंकिंग में शीर्ष पाँच भारतीय विश्वविद्यालय को देख लीजिए और ये आप देखेंगे भारतीय रैंकिंग पहले पर और ए में ए रैंकिंग देखेंगे तो बयालीसवें नंबर पर आई बॉम्बे महाराष्ट्र और भारतीय रैंक में दूसरे नंबर पर आई दिल्ली और ए रैंक में देखेंगे तो पैंतालीसवें नंबर पर आई मद्रास को तमिलनाडु को भारतीय रैंकिंग में तीसरे स्थान मिला है और एशियाई रैंकिंग में चंबनवावें स्थान मिला है और आई आई एस सी बेंगलोर को कर्नाटक में है ही चौथा स्थान मिला है भारतीय रैंकिंग में और एस आई रैंकिंग में छप्पनवा स्थान मिला है और आप देखेंगे पांचवें स्थान पर आई आई टी खड़गपुर रहा है पश्चिम बंगाल का है भारत रैंकिंग में और साठवें स्थान पर रहा एस आई रैंक में टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व विदिष्ठा रैंकिंग दो हजार इक्कीस को भी देख लीजिए शिक्षाविद समुदाय के सर्वेक्षणों के आधार पर टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व विदिष्ठा रैंकिंग सर्वप्रथम वर्ष 2011 में प्रकाशित की गई है इसके तहत वैश्विक प्रतिष्ठा के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की जाती है और 27 अक्टूबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 जारी की है 2021 जारी की है और इस रैंकिंग इस यह इस रैंकिंग का ग्यारहवा संस्करण है और यह रैंकिंग नवम्बर दो से फरवरी दो के मध्य किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है और दो की रैंकिंग में उनतीस क्षेत्रों के 202 दो विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सर्वाधिक विश्वविद्यालय संतावन शामिल है यूएस ए का हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार ग्यारहवीं बार शीर्ष स्थान पर कायम है चीन का सिंधुआ विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र संस्थान है जो दस शीर्ष दस में शामिल है दो रैंकिंग में भारत के चार संस्थान शामिल है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ए इक्यानवे से सौ रैंक समूह में है शेष में सौ में से शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है इस रैंकिंग में शामिल तीन शीर्ष अन्य भारतीय संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 126 से 150 रैंक समूह में शामिल है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली एक से 200 रैंक समूह में शामिल है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास एक से 200 रैंक समूह में शामिल है रैंकिंग में आप देखिए पाँच शीर्ष संस्थान ए प्रतिष्ठा रैंकिंग हो गई और प्रतिष्ठा रैंकिंग दो की हो गई विश्व संस्थान विश्वविद्यालय संस्थान देश हो गए पहले नंबर पर आप देखिए 2020 में भी था और 2021 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का और मै मैसाच्यूट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए का है दूसरे नंबर पर दोनों साल 20 की बात कर लीजिए इक्कीस की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का है ये 2020 में पाँचवें स्थान पर था दो में तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यू का है ये दो में तीसरे नंबर पर था और दो में चौथे नंबर पर रहा है और पाँचवें नंबर पर 2021 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था यूके का और 2020 में आप देखेंगे चौथे स्थान पर था टॉप पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का, ठीक है? 2020 में भी यही टॉप पर था 2021 में भी टॉप पर यही था अब बात करते हैं रूल ऑफ रू लॉ इंडेक्स। क्या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स दो ये आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कुछ देखेंगे 2008 से रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स बर्ड वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है 2021 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट का बारह संस्करण है और 14 अक्टूबर 2021 को द वर्ल्ड मूल्यांकन करता है इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्न आठ कारकों में विभक्त चौवालीस संकेतकों के आधार पर किया जाता है सरकारी शक्तियों का अवरोध भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति खुली सरकार मौलिक अधिकार आदेश एवं सुरक्षा नियामक परिवर्तन नागरिक न्याय आपराधिक न्याय और सूचकांक के अनुसार 2021 में डेनमार्क नॉर्वे फिनलैंड क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं देख रहे हैं आप लोग डेनमार्क नॉर्वे फिनलैंड ये हमेशा टॉप पर ही देखने को मिलेंगे इसमें डेनमार्क पहले पर है नॉर्वे दूसरे फिनलैंड तीसरे सूचकांक में शामिल छः दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल एक नेपाल सत्तरवें स्थान पर श्रीलंका छिहत्तरवें और भारत उन्यासीवें स्थान पर है क्षेत्र की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है हम लोग क्षेत्रीय दृष्टि से भारत का वर्ष 2021 में इक्कीस में उन्यासी है तो याद रखिए ये भी देखिए हमारी पड़ोसियों से बुरी स्थिति है वैश्विक भुखमरी सूचकांक वैश्विक भुखमरी सूचकांक चार संकेतकों को अल्पोषण बाल दुबलापन बाल ठिंगनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के मेहमाने पर तैयार किया जाता है जिसमें शून्य सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि सौ सबसे खराब स्कोर माना जाता है यदि दे किसी देश का जी एच आई स्कोर शून्य है तो इसका अर्थ है कि वहां कोई भूखा नहीं है जबकि जी एच आई स्कोर सौ से तात्पर होता है कि उस देश में सभी भूखमरी की स्थिति में है और चौदह आप देखेंगे चौदह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से, से वैश्विक भुखमरी सूचकांक दो हजार इक्कीस जारी किया गया है चलिए तो इसके कुछ पॉइंट और देख लीजिए इसमें आप देखेंगे यह स, इस सूचकांक का सोलहवा वार्षिक संस्करण है 2021 की रिपोर्ट संघर्ष की स्थिति में भूख भोजन व्यवस्था विषय पर केंद्रित है थीम थे। कह लीजिए चाहे विषय कह लीजिए क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2021 में विश्व में अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का जी आी एच आई स्कोर सत्ताईस दशमलव सर्वाधिक सत्ताईस दशमलव चार है और जबकि इसके बाद दक्षिण एशिया में जी दक्षिण एशिया जी स्कोर छब्बीस है स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है आप लोग एशिया में देख लीजिए या फिर आप लोग अफ्रीका महाद्वीप में चले जाइए आप लोग भुखमरी से सबसे ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगी जी जीएचआई, आई यानी कि आप देखिए ए 2021 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया पचास दशमलव आठ भुखमरी की चरम यानी कि भयानक स्थिति यहाँ बनी हुई है सोमालिया नीचे से टॉप है

के मामले में बुरुंडी में सर्वाधिक है चौवन दशमलव जीरो परसेंट पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले में भारत सत्रह दशमलव तीन फीसद दर्ज की गई है पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजीरिया और सोमालिया में सर्वाधिक ग्यारह दशमलव सात परसेंट वैश्विक भुखमरी सूचकांक दो में भारत की रैंकिंग एक सौ एक भी है जी ये अच्छाईस स्कोर सत्ताईस दशमलव पाँच है तो हमारी स्थिति आप सोच रहे हैं एक सौ एक भी स्थान पर है कोई अच्छी नहीं है और 2021 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है और 2020 में भारत को चौरानवे रैंक कुल 107 देशों में प्राप्त हुई थी तो यानी कि पिछले ही साल हम लोग ठीक थे ठीक है और इसमें आप देखें विभिन्न संकेतकों में भारत की स्थिति जनसंख्या में अल्पोषण लोगों की संख्या प्रतिशत में पाँच वर्ष से कम आयु आयु के बच्चों में दोबलापन प्रतिशत में पाँच वर्ष से कम आयु के तत्व बच्चों में ठेगनापन प्रतिशत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रतिशत में ये आप देखेंगे 2011 से 13 में 15 परसेंट पंद्रह परसेंट दो से 20 में पंद्रह दशमलव तीन परसेंट और इसमें दस दो से दो बारह दस से दो हज़ार चौदह में आप देखेंगे पंद्रह दशमलव एक परसेंट दो हज़ार सोलह से बीस में सत्रह दशमलव तीन परसेंट दो हज़ार दस से दो हज़ार चौदह अड़तीस दशमलव सात परसेंट दो हज़ार सोलह से दो हज़ार बीस में चौंतीस दशमलव सात परसेंट यहाँ दो हज़ार बारह से दो हज़ार बारह में पाँच दशमलव चार पाँच दशमलव दो दो हजार उन्नीस में तीन दशमलव चार तो ये आप लोग याद रख सकते हैं याद कर सकते हैं ये याद रख सकते हैं अब हम लोग वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक दो हजार इक्कीस के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे जरूर आएंगे चाहे वो रिपोर्ट हो फिर चाहे आपके कोई इंडेक्स हो सूचकांक हो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित एवं विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाला एक प्रमुख साधन है यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तथा कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है और 12 अक्टूबर 2021 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी जारी किया गया है और इस वर्ष के सूचकांक में एक देशों को शामिल किया गया है और यह इस सूचकांक का दसवा संस्करण है दसवा और इस सूचकांक के तहत विश्व के एक देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन किन चार प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया जाता है खाद्य सामर्थ्य खाद्य उपलब्धता गुणवत्ता एवं सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन तो इन्हें भी याद रखिएगा ये क्या होगा कि देखिए आप लोग जब यूपीएससी प्रम्स देखते हैं या स्टेट तो उस पर आप ऊपर लिख के दे देता है एक लाइन में कि आप देखिए कि एक तरह से खाद्य सुरक्षा का जो सूचकांक होता है इसका मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाता है नीचे दे देगा आपको खाद्य सामर्थ्य और फिर दूसरे में आपको खाद्य उपलब्धता फिर गुणवत्ता एवं सुरक्षा प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन फिर नीचे आपको ऑप्शन देगा एक दो तीन सही है दो तीन चार सही है तो इस तरह से आप लोगों को जरूर याद रखना होगा और जी एप एस आई दो हजार इक्कीस में देखें तो पांच देश हैं इसमें आप पहली रैंकिंग आयरलैंड की है चौरासी दशमलव जीरो स्कोर के साथ दूसरे पे ऑस्ट्रिया है तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम है चार पर फिनलैंड है पांच पर स्विट्जरलैंड है तो आयरलैंड टॉप पर है और इसमें भारत की स्थिति देखें तो संतावन दशमलव दो स्कोर के साथ इकहत्तरवे स्थान पर है भारत की हमारी स्थिति इकहत्तरवे स्थान पर है प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन विश्व के पचहत्तर से अधिक देशों का एक अंतर सरकारी समूह है इस गठबंधन को 11 जनवरी 2021 को पेरिस में संपन्न हुए वन प्लेनेट सबमिट का सबमिट के दौरान लॉन्च किया गया और आप देखेंगे लॉन्च किया गया ऐसे और इसमें आप लोग याद रखिएगा सात अक्टूबर 2021 तो को भारत के भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति प्रकृति लो, लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ है भारत इस गठबंधन में शामिल होने वाला ब्रिक्स समूह ब्राजील रूस चीन दक्षिण अफ्रीका और भारत का पहला देश है ब्रिक्स समूह का पहला देश है यह भी आप लोग याद रखिएगा यूरोप लैटिन अमेरिका अफ्रीका एशिया और आशेनिया आदि क्षेत्रों में विभिन्न देशों का इस गठबंधन में शामिल है यह गठबंधन प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन भी करता है और जिससे प्रजातियों के तीव्र क्षरण को रोका जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके इसके लिए इस गठबंधन ने तीस इंटू तीस लक्ष्य यानी कि टारगेट की घोषणा की, की है तेईस इंटू तीस आप देखेंगे लक्ष्य से तात्पर्य वर्ष 2030 तक विश्व की न्यूनतम 30 प्रतिशत भूमि एवं महासागरों के संरक्षण से है कोस्टारिका फ्रांस यूनाइटेड किंगडम इस गठबंधन की सह अध्यक्ष भी हैं और फिर आप देखिए नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन आते रहते हैं एक हम लोगों ने क्लास ली हुई थी स्पेशल क्लास फॉर आई एस बी सी एस में डली होगी उसमें नोबेल पुरस्कार का इतिहास जो भी रहा है उस पर विस्तार से एक क्लास कवर की हुई है तो उसे जाकर देख लीजिए आप लोग तो काफ़ी फायदा मिलेगा आपको नोबेल पुरस्कार 2021 में देखें तो 21 अक्टूबर 2021 अक्टूबर 1833 को स्टॉक होम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक उद्यमी अल्फेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे एक तरह की उन्हीं की याद में दिया जाता है अल्फेल नोबेल की बरसियत में उल्लेखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने पूर्ण करने हेतु वर्ष उन्नीस सन उन्नीस में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित प्रशासित भौतिकी रसायन चिकित्सा साहित्य तथा शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन का केंद्रीय बैंक है निवर्स 1968 में की थी और अर्धशास्त्र पहली बार उन्नीस में दिया गया था ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं अक्टूबर दो में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई अर्धशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2021 हजार इक्कीस हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है और आप देखेंगे कि इसमें क्या इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन जिन तीन अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया किया गया इसमें डेविड कार्ड है कनाडा अमेरिका के हैं जोसुआ डी एंग्रेस्ट है, है इजराइल अमेरिका के हैं आप देखेंगे और इनका संबंध है ग्वेडो डब्ल्यू एम्बेंस ए नीदरलैंड अमेरिका ठीक है डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनकी प्रसिद्ध प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है जोसुआ एंग्रेस्ट तथा ग्वेडो एवं के का कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके प्रणालीगत योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है फरसल नोबल शांति पुरस्कार और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए भारत किस पहला भारतीय को नोबल पुरस्कार मिला था और नोबल शांति पुरस्कार दो हजार इक्कीस एक दो हजार इक्कीस को ऑसलो नॉर्वे स्थित द स्थिति दो हजार इक्कीस का नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है इस वर्ष मारिया रेसा फिलीपींस व वेमित्री मुरातो रूस को प्रदान किया गया है और इन दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु प्रदान किया गया है और याद रहे दो हजार बारह में मारिया रेस् ने खोजी पत्रकारिता हेतु रेपलोर नामक एक डिजिटल मीडिया कंपनी की सह स्थापना की थी और जबकि वर्ष उन्नीस में देमित्री मुरातोव ने नोवा नोवाया गजेटा नामक एक, एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र की स्थापना की थी और साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार की बात करें तो 7 अक्टूबर 2021 हजार इक्कीस को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा 2021 हज़ार हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है 2021 हजार सेतु साहित्य का नोबल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनहार तंजानिया इंग्लैंड को प्रदान किया गया है उन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों महादि, एवं महाद्वीपों के बीच पसी शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण हेतु प्रदान किया गया है और याद रहे कि अब्दुल तो रज्जाक गुरनाह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास मेमोरी ऑफ द डिफार्चर उन्नीस है इनके अंग्रेजी में लिखित अन्य उपन्यास पिल्लिगम्स बेडॉटी ए पैराडाइज एडमायरिंग साइलेंस बाय द सी डिजर्सन द लास्ट गिफ्ट ग्रेवल हार्ट ऑफ्टर लाइफ ये सभी इनके उपन्यास है इन्हें भी याद रखिएगा आप लोग और रसायन विज्ञान का अगर नोबल पुरस्कार 2021 का देखें तो 6 अक्टूबर 2021 को स्टॉक होम स्वीडिश स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ द साइंसेज द्वारा 2021 हजार इक्कीस हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार की घोषणा की गई है इस वजह से यह पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट जर्मनी डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिकी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार असमितोकिटालिसिस आस, के विकास के लिए प्रदान किया गया है और आप देखेंगे कि असमित कैटालिसिस आण्विक निर्माण का एक नया सरल और सटीक साधन है और दोनों वैज्ञानिकों ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इस तीसरे प्रकार के उत्पेर का विकास वर्ष दो सन दो में किया था और याद रहे इसके पूर्व तक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सिद्धांतिक रूप से धातुओं एवं इंजाइम जैसे केवल दो प्रकार के उत्पेरों की उपलब्धता का दावा किया जा रहा था असमितिस के विकास से, से रसायन की को बनाने के साथ साथ फार्मा फार्माइस्टिकल अनुसंधान के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी फिर आपका भौतिक विज्ञान का नोबल पुरस्कार दो अक्टूबर 2021 को स्वीडिश स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2021 हजार इक्कीस हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस बार से पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान हेतु कुल तीन विज्ञान को प्रदान किया गया है इसमें आपका इस, इस उ, कोरो मनावे और जापानी मूल के अमेरिकी हैं और क्लॉस है जर्मनी को पृथ्वी की जलवायु में भो, की भौतिक मॉडलिंग और वैश्विक तापन के विश्वसनीय पूर्वानुमान उनकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु वर्ष 2021 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन दोनों वैज्ञानिकों को 10 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर की कोल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा प्रत्येक को एक चौथाई भाग प्राप्त हुआ है भौतिक के, के मनोबल पुरस्कार दो का दूसरा आधा हिस्सा एक दूसरा भाग जॉर्जियो फारिसी इटली को प्रदान किया जाएगा इन्हें परमाणु से गृह तक भौतिक प्रणालियों में विकार तथा तो उताव चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और चिकित्सा का विज्ञान का नोबल पुरस्कार देख लीजिए 2021 का 4 अक्टूबर 2021 को द नोबल असेंबली एंड कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट द्वारा स्वीडन द्वारा वर्ष 2021 हेतु तो चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है इस बार से यह पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र के दो वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया एक तो डेविड जूलियस हैं अमेरिका के हैं और रम, पाटा पाटापोसियन लेबनॉन में जन्मे अमेरिकी हैं और आप देखेंगे इन दोनों वैज्ञानिकों को तापमान एवं स्पर्श सेतु ग्राहियों की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है डेविस जूलियस और आर्डम पटापोसियन का कार सेमोटो तो, सेंसन नामक क्षेत्र पर केंद्रित था तो इस नोबेल पुरस्कार को भी याद रखिएगा भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट 2021 हजार इक्कीस पांच अक्टूबर 2021 को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन ने भारत में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट एक दो जारी की है इस रिपोर्ट का शीर्षक नो टीचर नो क्लास है और आप देखेंगे वर्तमान रिपोर्ट स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया का तीसरा संस्करण है और इस रिपोर्ट की निष्कर्ष बड़े पैमाने पर आवधिक शर्म बल सर्वेक्षण और शिक्षा के लिए एक एक जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों पर आधारित है और कुल स्कूलों की तुलना में एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश अठारह गोवा अठ सोलह तेलंगाना सोलह सीस राज्य है और चंडीगढ़ बयासी गोवा आपका अस्सी केरल अठहत्तर और सर्वाधिक महिला शिक्षक वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं और त्रिपुरा बत्तीस असम उनतालीस झारखंड उनतालीस और राजस्थान उनतालीस न्यूनतम महिला शिक्षक वाले शिक्षक वाले राज्य हैं प्राथमिक विद्यालयों में सकल नामांकन दर वर्ष दो की, के इक्यासी दशमलव प्रतिशत से बढ़कर 2018 2018-19 में तिरानवे दशमलव जीरो तीन प्रतिशत वर्ष 2019-20 में बीस में एक सौ दो, दस, एक दो एक हो है। फिर आपका वैश्विक नवाचार आप सूचकांक दो हजार इक्कीस और इसमें अगर हम लोग बात करें देखिए तो वर्ष 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन बिप्पो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा पोर्टूल इंस्टीट्यूट के विभिन्न कॉर्पोरेट तथा अकादमिक नेटवर्क भागीदार भागीदारों एवं जी आई सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया है और भारतीय उद्योग परिसंघ भी इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में शामिल है 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया है। और यह सूचकांक का सूचकांक चौदहवा वार्षिक संस्करण है चौदहवा ठीक है और आप देखेंगे कि इस संस्करण में नवाचार पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है वर्ष 2000 हज़ार की वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय कोविड 19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना है और इस सूचकांक में विश्व की एक अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार पर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है एक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग इक्यासी विभिन्न संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है वैश्विक नवाचार सूचकांक दो में लगातार ग्यारहवें वर्ष स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है कौन सा स्विट्जरलैंड और वैश्विक नवाचार सूचकांक दो में भारत दो स्थानों के सुधार के साथ छियालीसवें स्थान पर है हमारा स्थान कौन सा है छियालीसवा मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष नवाचारी देश है निम्न मध्यम आय समूह के देश देशों में भारत की को दूसरी रैंकिंग प्रथम पर बेतनाम है बेंगलोर दिल्ली तथा मुंबई शीर्ष सौ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल है आपका बेंगलोर दिल्ली और मुंबई वैश्विक नवाचार सूचकांक दो में अंगोला एक रैंक अंतिम स्थान पर है और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष दस देश हैं स्विट्जरलैंड पहले पर पैंसठ दशमलव पाँच स्कोर के साथ स्वीडन दूसरे पर तीसरे पर अमेरिका चौथे पर यूके और पांचवीं पर दक्षिण कोरिया और छठवें पर नीदरलैंड है कौन सा नीदरलैंड स्विट्जरलैंड पहले पर है ठीक है और सातवें पर फिनलैंड हो गया आठवें पर सिंगापुर नौवें पर डेनमार्क और दसवीं पर जर्मन हो गया क्या हो गया जर्मनी हो गया टाइम्स सो सूची 2021 देख लीजिए टाइम सो विश्व के सौ सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की एक वार्षिक सूची है जो अमेरिकी पत्रिका टाइम टाइम द्वा, मैगजीन द्वारा एक तरह से जारी की जाती है अमेरिका अमेरिकी शिक्षाविदों राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के मध्य विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप यह सूची सर्वप्रथम उन्नीस में, में प्रकाशित की गई थी इस सूची के छः अलग अलग क्षेत्रों से लोग शामिल किए जाते हैं आइकन पोनियर टाइटन आर्टिस्ट लीडर्स इनोवेटर्स और आप देखेंगे कि वर्ष 2021 की टाइम सॉ सूची टाइम पत्रिका द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी की गई है 2021 हज़ार इक्कीस के टाइम सौ सूची में तीन भारतीय यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार अदार पूना वाला इसमें स्थान प्राप्त है नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं और आप देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हैं ये भी शामिल हैं सी एम है, है वहाँ की और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आधार वाला इन्हें भी शामिल किया गया है पतिका में प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वकर्ता श्रेणी में शामिल करते हुए आजादी के बाद चौहत्तर जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के साथ भारत में तीन महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल किया है और नेतृत्वकर्ता श्रेणी के अंतर्गत शामिल कुछ अन्य प्रमुख लोगों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उल्लेखनीय हैं

पूना वाला विश्व में टीका संबंधी असमानताओं को कम कर सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनियों में शामिल है और कोरोना महामारी में आपने देखा होगा इनका नाम सुना होगा त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ओकोस उन्नीस सौ में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई संधि की सत्तरवीं वर्षगांठ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा एवं शांति को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी पहल ओकोस को शुरू करने की घोषणा की है और इसमें 15 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पहल की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने की है इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और सुरक्षा होने के साथ ही अठारह माया प्रोजेक्ट भी है और अठारह माया प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पंडुब्बियों का निर्माण किया जाना है इन पनडुब्बियों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडी लेड शहर में किया जाएगा याद रहे उन्नीस में प्रस्तुत की गई परमाणु हथियारों की अपसा संधि पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1970 में हस्ताक्षर किए और उपयुक्त के अतिरिक्त यह साझेदारी पहल साइबर सुरक्षा बुद्धिमत्ता क्वांटम तकनीक और कुछ अंतरास, समुद्री क्षमता के क्षेत्र में कार्य करेगी टाइम वैश्विक वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग दो हज़ार बाईस दो सेप्टेम्बर दो को टाइम टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में जारी किए इसमें इसमें पांच क्षेत्रों में विभक्त संकेतकों के आधार पर वैश्विक को की रैंकिंग दी तैयार की गई है बाईस बिस्व में निन्यानवे देशों एवं क्षेत्रों के रिकॉर्ड के रिकॉर्ड एक हजार सौ विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हजार में इकहत्तर भारतीय संस्थानों को जगह मिली है जबकि गत वर्ष तिरसठ भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया था तो बढ़ोतरी ही है भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को सर्वोच्च रैंक मिली है भारतीय संस्थानों में ठीक भारती है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की बात हो रही है ये भारत में मिली है लेकिन याद रखिएगा और ऐसे ये तीन से तीन सौ रैंक समूह में रखा गया है भारतीय संस्थानों में आई टी आई आई टी रोपड़ को तीन सौ इक्यावन से चार सौ रैंक समूह में द्वितीय स्थान प्राप्त है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में तीस विश्वविद्यालय देख लीजिए आप लोग एक रैंकिंग ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यू का दूसरे नंबर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय यू का ये दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यू का चौथे नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यू का पाँचवें नंबर पर मैसाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये पाँचवें नंबर का यू का है प्रैसटन विश्वविद्यालय यू का सातवें नंबर पर है और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बक बकर बर्कली यूएसए का है आठवें नंबर पर एल विश्वविद्यालय यूएसए का है नौवें नंबर पर शिकागो विश्वविद्यालय यूएसए का है दसवें नंबर पर है कितना दसवें नंबर पर ये तो ये भी आप लोग याद रखना होगा अब ह्यूरा हो ग्लोबल पाँच सौ सूची दो हज़ार इक्कीस देख लीजिए बीस अगस्त दो हज़ार इक्कीस को हो अनुसंधान संस्थान द्वारा हो ग्लोबल फाइव हंड्रेड सूची जारी की गई है हो ग्लोबल पाँच सौ विश्व की सबसे की पाँच सौ सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों की सूची है हुरन ग्लोबल पाँच के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को उनके और उनके बाजार पूंजीकरण के आधार पर जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों को उनके मूल्य के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है और हुरान ग्लोबल पाँच सूची सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी एप्पल विश्व की सर्वाधिक मूलवान कंपनी है जिसका मूल्य आप देखेंगे टू ट्रिलियन डॉलर है दो ट्रिलियन डॉलर है और एप्पल आप सभी जानते हैं बारह निजी भारतीय कंपनियों ने विस्क की पाँच सबसे मूलभत निजी कंपनियों में की सूची में जगह बनाई है बारे ने हरोन ग्लोबल पाँच सूची में शामिल कंपनियों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व के में नौवें स्थान पर है हैोन ग्लोबल पाँच की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक सौ बिलियन डॉलर के साथ संतावनवां स्थान मिला है जो भारतीय कंपनियों में टॉप पर है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पचहत्तरवां स्थान भारत की दूसरी और एस एच डी एफ सी बैंक तीसरी और सर्वाधिक मूल्य वाली कंपनियां हैं हरॉन ग्लोबल पाँच सौ सूची नसीस पाँच कंपनियाँ एप्पल टॉप पर है ये आप देखेंगे मुख्यालय इसका क्यू पर टिनो यू में है सीईओ ई मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुरुख हैं और इसकी बढ़ोतरी आप देखिए पंद्रह परसेंट हुई माइक्रोसॉफ्ट ये आप देख लीजिए दूसरे नंबर पर है रेड रेड मॉन्ड यूएसए में इसका हेडक्वाटर देखने को मिलेगा सत्यनलीला सत्यनैला इसके क्या है मुख्य सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेजॉन

भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन इसके बारे में भी जान लीजिए है क्या? ओजोन अच्छा पदार्थों पर मोन्टियल प्रोटोकॉल के एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण संधि है जो ओजोन औचरकारी पदार्थों के रूह में संदर्भित लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन एवं उपभोग को विनियमित करती है और अब तक मोन्टियल प्रोटोकॉल में छह बार संशोधन किया जा चुका है और नवीनतम संशोधन किगाली संशोधन है और आप देखेंगे कि 15 अक्टूबर 2016 को मोन्टियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों ने किगाली संशोधन को अंगीकृत किया था और किगाली रवांडा में आयोजित मोन्टियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की अट्ठाईसवीं बैठक में एक से अधिक देशों के मध्य इस प्रोटोकॉल में संशोधन पर सहमति बनी थी और इसे अब केगाली संशोधन के नाम से आप लोग जानते हैं और किगाली सं गाल... संशोधन का उद्देश्य विश्व भर में हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स के उत्पादन एवं उपभोग में चरणबद्ध रूप से कटौती करना है एक जनवरी 2019 को किगाली संशोधन प्रभावी हो गया था और 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा किगाली संशोधन की अनुसमर्थन को मंजूरी भी दी थी और याद रहे कि भारत 19 जून उन्नीस को मॉन्टियल प्रोटोकॉल की का पक्षकार बन गया था और तब से इसमें प्रो प्रोटोकॉल के सभी संशोधनों का अनुसमर्थन भी हम लोग करते हैं भारत दो से चार चरणों में एच एफ सी में चयन रूप से कटौती कार्य को पूरा करेगा इसके तहत दो में आप देखें दस प्रतिशत दो में बीस प्रतिशत दो में 30 परसेंट और दो हजार सैंतालीस में पचासी परसेंट की संचयी कटौती का प्रस्तावित है तो यह भी याद रखिएगा वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 वैश्विक युवा विकास सूचकांक अनुसंधानकर्ताओं नीति निर्माताओं एवं नागरिक समाज हेतु एक ऐसा साधन है जिससे युवा विकास से संबद्ध सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को मापा जा सकता है और याद रहे कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को युवा के रूप में के रूप में परिभाषित किया गया है पंद्रह से उनतीस एज के और आप देखेंगे कि 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा एक वार्षिक रैंकिंग वैश्विक वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 जारी की, जारी गई और वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कुल एक देशों को शामिल किया गया जिसमें राष्ट्रमंडल के चौवन सदस्य देशों में से अड़तालीस देश शामिल हैं आपके यह सूचकांक युवा विकास के चे छह क्षेत्रों पर आधारित है इसमें याद रखिए स्वास्थ्य एवं कल्याण शिक्षा रोजगार एवं अवसर राजनीतिक और एवं नागरिक भागीदारी समानता एवं समावेशन और शांति और सुरक्षा इन्हें भी जरूर याद रखिएगा इसमें सिंगापुर आप देखेंगे जीरो स्कोर रहा है जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव यानी कि जीरो दशमलव आठ सौ पचहत्तर को पहली बार इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है तो सिंगापुर टॉप पर है चार ये आप देखेंगे यहाँ का युवा विकास का स्तर न्यूनतम है और यह इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर यानी कि एक सौ इक्यासीवें स्थान पर है तो टॉप पर आपका सिंगापुर और नीचे से टॉप कौन कर रहा है चार कर रहा है एक सौ इक्यासीवा नंबर वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को एक सौ बाईसवा स्थान मिला है भारत का स्कोर आप देखेंगे तो जीरो दशमलव छः सौ छब्बीस पर है भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल है एक सौ बाईसवा हमारा है और आप लोग देखिए रैंकिंग दी गई है सिंगापुर पहले स्लोवान विनिया दूसरे नॉर्वे तीसरे माल्टा चौथे पाँचवीं पर डेनमार्क छठवीं पर स्वीडन और सातवीं पर स्विट्जरलैंड आठवीं पर नीदरलैंड नौवीं पर आयरलैंड दसवीं पर लग्जमबर्ग और दसवीं पर आप देखेंगे पुर्तगाल भी है दोनों का स्कोर सेम है और वैश्विक युवा विकास सूचकांक में ब्रिक्स देशों की रैंकिंग देखते हैं तो एक सौ पर ब्राजील है बयासी पर रूस है एक पर भारत है और बासठ पर चीन है एक पर दक्षिण अफ्रीका है यानी कि आप कहिए कि देखिए हमारी स्थिति इनमें भी बुरी है दक्षिण अफ्रीका से हम लोग आगे हैं हैं बाकी से पीछे लोअर अरुण ग्यारह जुलाई दो हजार इक्कीस को काठमांडू नेपाल में भारत के सतलज जल विद्युत नगम नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस परियोजना की क्षमता आप देखेंगे छह मेगावाट है यह परियोजना नेपाल के सांकू सांखुआ सभा और भोजपुर जिलों में देखने को मिलेगी एच एल ई एच ई पी अरुण थ्री जल विद्युत परियोजना का डाउन स्ट्रीम विस्तार है इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा और यह परियोजना 900 मेगावाट क्षमता वाली वरुण थ्री एच ई पी की जलधारा पर विकसित होगी और इस परियोजना के पूर्ण होने पर आप देखें प्रतिवर्ष उनतीस मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन भी होगा और आप देखेंगे अरुण थिरी जल विद्युत परियोजना के बाद ए एस जे एन को नेपाल में प्राप्त होने वाली यह दूसरी परियोजना है अरुण थिरी जल विद्युत परियोजना नेपाल में निगमित एज एस जे वी एन अरुण थ्री पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है मई 2018 में अरुण थ्री परियोजना की आधारशिला रखी गई थी यह नेपाल में भारत द्वारा किया गया है सबसे बड़ा निवेश सात हजार करोड़ रुपए का साथ ही यह नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है वैश्विक शांति सूचकांक जारी हुआ दो वाला इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा सत्रह जून दो को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्नि विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है और यह सूचकांक का पंद्रहवा संस्करण है प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2007 में जारी किया गया था कब 2007 में और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में विश्व के एक देशों क्षेत्रों वैश्विक जनसंख्या का आप देखेंगे निन्यानवे दशमलव सात परसेंट को शामिल किया गया है और इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन तेईस गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जा गया है और इन संकेतकों को तीन विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जो आप देखेंगे समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार देखिए जब कोई सूचकांक निकलता है तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि इसके बारे में याद रखा करिएगा क्योंकि अगर आपने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे तो मालूम भी होगा आपको कि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सैनीकरण का स्तर वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार आइसलैंड विश्व में का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड टॉप पर है और 2008 से ही इस ही सूचकांक में टॉप पर बना हुआ है आइसलैंड टॉप पर है और लगातार चौथी बार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे अशांत देश का दर्जा मिला है और आप लोग मुझे लगता है कुछ कॉमन सेंस अगर आप लोग लगाए ना तो मुझे मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं अब देखिए आप लोग अफगानिस्तान में अशांति फैली हुई क्यों फैली हुई है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की क्या स्थिति है तालिबानों का कब्जा हो चुका है आप देखिए लोग वहाँ अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते अधिकार नहीं है उनके आप देखिए महिलाओं को और बच्चियों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक दो में भारत को एक देशों की सूची में एक सौ स्थान मिला है आप समझ रहे हैं हमारी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है टू पॉइंट हुआ स्कोर भूटान बाईसवीं रैंक के साथ दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना है हमारा पड़ोसी है भूटान हमसे अच्छी स्थिति में है इस सूचकांक के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है जबकि मध्य मध्यपूर्व उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है और यूरोप अधिकतर आप देखेंगे मामले में ऊपर ही रहेगा आई एम डी विश्व स्पर्धात्मकता रैंकिंग दो हजार इक्कीस सत्रह जून दो हजार इक्कीस को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने तैतीसवीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2021 जारी की है इस वर्ष रैंकिंग में प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर विश्व की चौंसठ अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है और विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग चार कारकों के आधार पर आधार पर देशों की समृद्धि और प्रति स्पर्धात्मकता को मापती है इसमें आर्थिक विदर्शन सहकारी सरकारी क्षमता दक्षता व्यवसायिक दक्षता आधारभूत संरचना शामिल है इन्हीं बातों को एक तरह से ध्यान रखिए

करलिली साइम्स द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का 18वां संस्करण जारी किया गया है इस रैंकिंग में मैसाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार दसवीं बार टॉप स्थान हासिल किया है और रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे को एक स्थान मिला है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान संस्थान है आप देख लीजिए और इसमें आप देखेंगे एक नंबर पर आपका 2022 की देख लीजिए 2021 में मैसाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अमेरिका को मिला है इसका स्कोर सौ रहा है और आप देखिए दूसरे नंबर पर इस साल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का है ये आप देखिए 2022 हज़ार बाईस का भी बात कर रही हूँ और इस साल इसे 21 में इसे पाँचवा स्थान मिला था और तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है और पिछले साल इसे आठवां स्थान मिला था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पर है यूके का और पिछले साल दूसरे नंबर पर था पाँचवें स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका है और पिछले साल 2021 में इसे तीसरा स्थान मिला था रिपोर्ट के अनुसार एशिया के दो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को ग्यारहवां स्थान और नॉन नान यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर को बारहवां स्थान मिला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दो में पैंतीस भारतीय संस्थानों को रैंकिंग मिली है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में तीन भारतीय विश्वविद्यालय आई टी बॉम्बे को एक सौ स्थान आईआईटी दिल्ली को एक सौ पचासी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को एक सौ विश्वविद्यालयों में शामिल है हमारी मृत्यु दंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई हुई है जनवरी दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान मृत्युदंड के न्यायिक प्रयोग पर आधारित एमनेस्टी इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट 21 अप्रैल 2021 को जारी की गई है और मई 2020 में चार ने मृत्युदंड को पूर्णता समाप्त कर दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष दो में अठारह देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा क्रियान्वित की गई है यानी कि आप देखिए किसी केस में आप देखते हैं कि फांसी दे दी जाती है ना मृत्यु दंड दिया जाता है ना उसी की बात हो रही है 2020 के अंत तक कुल 108 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु तो मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है कई एक देश देखेंगे आप लोग कि वह मृत्यु दंड की सजा नहीं है कोई कितना भी बड़ा अपराध करते हैं तो आप देखिए उसे आजीवन कारावास होगी जबकि अब तक कुल एक देश कानून अथवा व्यवहार में मृत्यु दंड को समाप्त कर चुके हैं और 2019 में जहां छः से अधिक लोगों पर मृत्युदंड का क्रियान्वयन किया गया था वहीं 2020 में यह संख्या चार प्लस थी और आप देखेंगे याद रही इन आंकड़ों में चीन के आंकड़े शामिल नहीं है जहां पिती वर्ष हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता है परंतु आधिकारिक रूप से इसकी संख्या गुप्त रखी जाती है और आप देखिए कोई लोकतंत्र थोड़ी है चाइना में कि आप बोल पाएंगे और आपको अगर कुछ आपके अधिकारों का हनन होता है तो दुनिया आप देखेंगे वहाँ लोग मारे जाते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे सरकार के खिलाफ वो मार देंगे वो मालूम भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए 2020 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंड की संख्या चीन में मा, मानी गई है 2020 में सर्वाधिक 246 प्लस मृत्युदंड ईरान में क्रियान्वित किए गए इसके बाद आप देखें मिस्र में 107 इराक में 45 प्लस सऊदी अरब में 27 रहा है वहीं आप देखेंगे 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में को में कुल, कुल सत्रह मृत्युदंड क्रियान्वित किए गए दो की घटना है ठीक है और दो से दो तक भारत में मृत्युदंड क्रियान्वयन नहीं किया गया था और बीस मार्च दो 20 2020 को निर्भया कांड के चार दोषियों को फांसी का फांसी पर लटकाया गया था और देश भर इस, तो तो इस तरह की अगर समाज में देखिए इस तरह के कलंकित लोग रहते हैं चलिए खैर छोड़िए आगे बढ़ते हैं हम लोग वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट दो हजार मार्च दो को विश्व आर्थिक मंच द्वारा पंद्रवी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट दो जारी की गई है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित चार आयामों के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का, का तुलनात्मक अध्ययन करती है आर्थिक भागीदारी और अवसर शिक्षा प्राप्ति स्वास्थ्य एवं उत्तर जीविता राजनीतिक सशक्तिकरण चार आधार हैं इसके और इस रिपोर्ट में एक देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है इस बस की रिपोर्ट में पहली बार तीन नए देशों को शामिल किया गया है और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान देखेंगे गुआना देखेंगे आप लोग नाइजर देखेंगे रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका और आइसलैंड को बारहवीं बार विश्व बार में सर्वाधिक लैंगिक क्षम क्षमता वाला देश घोषित किया गया है इसमें आप देखेंगे आइसलैंड टॉप पर है और फिर फिनलैंड देखेंगे नॉर्वे न्यूजीलैंड और स्वीडन तो आइसलैंड फिनलैंड नॉर्वे याद रखिए आइसलैंड टॉप पर है और आप देखेंगे इसमें नीचे से टॉप अफगानिस्तान कर रहा है लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है अफगानिस्तान का यहाँ आप लोग जाइए आप लोग पूछिएगा किसी से यमन एक सौ पचपन एक सौ चौवन पर इराक है आपको बता दूं देखिए अभी न्यूज एंकर की बात हो रही थी तो बुरका पहन के एक तरह से आप देखिए उन्हें न्यूज एंकर के रूप में प्रस्तुति देनी पड़ रही है महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है काम करने नहीं दिया जा रहा है नौकरी करने के लिए रोका जाता है भारत वर्ष दो की तुलना में अट्ठाईस स्थानों की गिरावट के साथ दो में एक स्थान पर पहुंच गया है और हमारे देश में क्या स्थिति है और आप लोग एक सोच के देखिए आप लोग कि अभी तो हमारे पास मौलिक अधिकार हैं स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी स्वतंत्र सरकार है 1945 1947 के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे देश में क्या कितनी असमानता होगी आप लोग सोच सकते हैं याद रहे 2020 में एक देशों की सूची में भारत को एक वां स्थान मिला था और हम लोग एक स्थान पर पहुंच गए तो हमें भी सुधार करना चाहिए भारत दक्षिण एशिया में पाकिस्तान एक सौ स्थान पर और अफगानिस्तान एक सौ के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है तो ये छोटी बातें हैं लेकिन भारत को भी याद रखा करिएगा हमारे पड़ोसियों को भी याद रखा करिएगा अब बात करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देख लीजिए क्योंकि इनसे भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में कि नहीं पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं बिल्कुल पूछे जाते हैं चौथा भारत अमेरिका टू प्लस टू मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है ग्यारह अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन डीसी

एसोसिएट भागीदारी के रूप में शामिल होने के भारत के निर्णय का अमेरिका द्वारा स्वागत भी किया गया है आप देखेंगे पांचवा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन हुआ है तीस मार्च दो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय मापरी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहले के पांचवें शिखर सम्मेलन में भाग लिया है इस सम्मेलन की सम्मेलन की मेजबानी आभासीय माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई है और याद रहे 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है और इस सम्मेलन का विषय एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्था और, और स्वस्थ लोग है को, को। राजनयिक प्रशिक्षण के, के क्षेत्र में आपसी सहयोग और बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना के हेतु प्रबंध पत्र और शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। क्या श्रीलंका श्रीलंका थाईलैंड म्यांमार भूटान और नेपाल शामिल हैं आपके फिर आप देखेंगे नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन हुआ है चौबीस सेप्टेम्बर दो हजार को वाशिंग्टन डीसी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और याद रहे क्वार समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी नाम से भी जानते हैं इस समूह में चार देश शामिल हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान हम भी शामिल हैं और तीन मार्च दो को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ था और सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान प्रधानमंत्री फोमियो किसीदा शामिल हुए थे फिर आप देखें भारत और यूएई में वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी के कारण फिजिकल रूप से उपस्थिति नहीं हो पा रही इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है 18 फरवरी 2022 को भारत वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के मध्य हुआ था इस अवसर पर दोनों देशों द्वारा भारत एवं यू समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति नए मोर्चे नए मील के पत्थर शीर्षक से एक संयुक्त विजन वक्तव्य भी जारी किया गया और दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के वर्षगांठ तथा की स्थापना की 50 वर्ष के के वर्ष अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं और सीई एक संतुलित निष्पक्ष और व्यापक न्याय संगत साझेदारी समझौता है और यह यूए द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है साथ ही मैना यानी कि मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, है। यह कोई अंतरिम समझौता नहीं है बल्कि एक पूर्ण एवं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है जिसे न्यूनतम संभावित समय में अंतिम रूप दिया गया है दिन अठाती रिकॉर्ड के समय अंतिम रूप से देकर हस्ताक्षर किया जाने वाली एक ऐतिहासिक एक समझौता है यह समझौता एक मई दो हजार दो हजार बाईस से लागू हो गया है बाईस से ठीक है और आप देखेंगे भारत यू सी पी सी कार्यान्वयन से भारत द्वारा यू को निर्यात किए जाने वाले नब्बे प्रतिशत उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा जबकि 80 परसेंट प्रतिशत व्यापार लाइनें शुल्क मुक्त शून्य शुल्क होंगी और आप देखें भारत यू ई ए के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत यू द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के साठ बिलियन डॉलर से बढ़ाकर अगले पाँच वर्षों में सौ बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आप देखेंगे प्रथम भारतीय मध्य एशिया सम्मेलन एक शिखर सम्मेलन हुआ है सत्ताईस जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है इसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भी हिस्सा लिया है भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की तीस वर्ष तीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी हुआ है दिल्ली डिक्लेरेशन सम्मेलन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिसके तहत प्रत्येक दो वर्ष में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई है और विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत मध्य एशिया वार्ता तंत्र के अतिरिक्त वाणिज्य एवं संस्कृति मंत्रियों तथा सुरक्षा परिषद के सचिवों के स्तर पर भी नियमित वार्ताओं का आयोजन पर सहमति बनी है और नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया एशिया केंद्र स्थापित किया जाएगा जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हेतु सचिवालय का कार्य करेगा और अंगला आप देखेंगे भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित होगा कब 2024 में तो ये भी याद रखिएगा फिर आपका इक्कीसवा भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है रूस समझ रहे हैं तो 6 दिसंबर किया गया इस को सम्मेलन का शीर्षक और समृद्धि के लिए भागीदारी रहा है इस शिखर सम्मेलन में भारत रूस के बीच अट्ठाईस समझौते पर हस्ताक्षर हुए और बीसवे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन व्लादिबोस्तोक रूस में सेप्टंबर दो में किया गया था और इक्कीसवे इक्कीसवे भारत रूस शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त पहली बार दोनों देशों के बीच टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है टू मंत्री स्तरीय मंत्री मंत्री वार्ता मंत्री 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 में दोनों देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेंगे शामिल हुए भारत रूस के अतिरिक्त अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ भी टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन करता है हम लोग ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका बाईसवें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन दो में रूस में किया जाएगा ठीक है आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन छब्बीसवाप ट्वेंटी सिक्स कह देते हैं यह आयोजन स्कॉटलैंड यूके के ग्लासगो शहर में संपन्न हुआ है कॉप ट्वेंटी सिक्स का आयोजन यूके द्वारा इटली की साझेदारी में किया गया है और कॉप ट्वेंटी सिक्स अब तक का सबसे बड़ा पक्षकार का सम्मेलन था जिसमें एक देशों के अड़तालीस करीब अड़तीस हजार से अधिकों ने हिस्सा लिया है भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा के अध्यक्ष रहे आलोक शर्मा जरूर याद रखिएगा पूछा जा सकता है शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है प्रधानमंत्री ने कॉफ ट्वेंटी सिक्स में पंचामृत का मंत्र दिया पंचामृत के तहत भारत ने विश्व के समक्ष निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं व्यक्त की है दो तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को पाँच सौ गीगावाट तक ले जाना और दूसरा इसमें आप देखेंगे 2030 तक भारत की 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय अच्छा ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था का कार्बन तीव्रता को पैंतालीस प्रतिशत से भी कम करेगा भारत वर्तमान को ले से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जनों में एक बिलियन टन की कटौती करेगा दो तक भारत द्वारा शून्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य और कॉप ट्वेंटी सिक्स के दौरान यूके भारत ऑस्ट्रेलिया फिजी जमेका और मॉरिसस द्वारा संयुक्त रूप से आई आर आई एस को लॉन्च किया गया आई आर आई एस का पूर्ण नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलैंड आईलैंड इस्टेट, यह छोटे द्वीपीय विकासशील देशों हेतु एक समर्पित पहल है सी डी आर आई आप देखें कॉलेसन फॉर डिजास्टर रि, रिजिलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सदस्य देशों एवं संगठनों के सहयोग से आई आर आई आर आई एस को स्थापित किया जा रहा है और आप देखेंगे इस पहल का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त तकनीकी एवं वित्तीय सेवाओं प्रदान करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति आई एस आई डी एस की अवसंरचना को लचीला बनाना है कॉप ट्वेंटी सिक्स के दौरान दो नवंबर दो हजार इक्कीस को भारत यूके द्वारा संयुक्त रूप से जी जी आई ओ एस ओ ओ जी आप देखें ग्रीन ग्रिड इनिएटेटिव ऑन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड पहल को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक विद्युत ग्रहणों के माध्यम मध्य अंतर संबद्धता में सुधार कर हरित ऊर्जा की ओर एक तरह से की ओर संक्रमण तेजी लाना कॉप 26 सिक्स के दौरान 2 नवंबर 2021 को अमेरिका यूरोप संघ यूरोपीय संघ तथा अन्य भागीदारी द्वारा ग्लोबल मिथेन प्लेज प्लेज को लॉन्च किया गया है और इस पहल का उद्देश्य वैश्विक मीथेनो मीथेन उत्सर्जनों में कटौती करना है इस पहल में शामिल होने वाले देश 2020 के स्तरों के तुलना में 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जनों में न्यूनतम 30 की कटौती के सामूहिक लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध हैं भारत चीन रूस इस पहल में शामिल नहीं है भारत शामिल याद रखियेगा कॉप ट्वेंटी सिक्स के दौरान एडाप्टेशन रिसर्च अलायंस को भी लॉन्च किया गया है और यह एक ऐसी धारक का, धारकों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन में के विध्वंसक प्रभावों से सुवेद समुदाय की रक्षा हेतु समर्पित है क्या है समर्पित है भी याद और 26 की समापन पर गोलाट नाम जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन दो हजार इक्कीस तीस से इकतीस अक्टूबर दो हजार इक्कीस को इटली की राजधानी रोम में जी ट्वेंटी के सोलहवें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है इस शिखर सम्मेलन में जी ट्वेंटी सदस्य देशों यूरोपीय संघ और अन्यमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार सरकार ने भाग लिया है इटली की अध्यक्षता में संपन्न यह शिखर सम्मेलन लोक ग्रह और समृद्धि विषय पर केंद्रित रहा है और सम्मेलन का फोकस क्षेत्र है महामारी से बढ़ने और वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती आर्थिक सुधार एवं लचीलापन जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया सतत विकास और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित रहा है इस सम्मेलन में भाग भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है और आठवीं आठवां अवसर रहा है जब प्रधानमंत्री जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में भागीदारी किए इस सम्मेलन के अंत में रोम घोषणा पत्र भी जारी किया गया है इस घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दों में जलवायु ऊर्जा आर्थिक पुनः प्राप्ति कोविड नाइन्टीन जैव विविधता एवं पर्यावरण सतत विकास तथा कर टैक्स जैसे मुद्दे शामिल थे और याद रहे 2022 का जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की मेजबानी में बाली में किया जाएगा संपन्न होगा और वर्ष 2023 में 18वां जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की पहली बार भारत की मेजबानी में संपन्न होगा तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन अब हम लोग चौथी जो आई एस ए सभा हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं जो अंतरराष्ट्रीय है, गट, सौर गठबंधन है ना जिसे आप लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं उसी की बैठक की बात हो रही है तो 18 अठारह से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल आवास से माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा का आयोजन किया गया है और आई की पहली सभा आप देखेंगे दो से पांच अक्टूबर दो हज़ार अठारह के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी और दूसरी आई सभा आप देखेंगे तीस अक्टूबर से एक नवंबर दो हज़ार उन्नीस तक नई दिल्ली में संपन्न हुई जबकि तीसरी सभा का आयोजन अक्टूबर दो हजार बीस में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ था और इस सभा में आप देखेंगे चौहत्तर सदस्य देशों और चौंतीस पर्यवेक्षक एवं संभावित देशों सहित कुल 108 देशों ने भाग लिया था तो ये आप लोग छोटी बात हैं, लेकिन मोटी बातें। आईएसी सभा ने सौर निवेश में एक ट्रिलियन डॉलर जुटाने के लिए एक ठोस कार्यवाही एजेंडे को भी मंजूरी दी है और इस हेतु आई एस ए ने ब्लूमबर्ग बर्ग के साथ साझेदारी की घोषणा भी की है और अगर हम लोग विश्व सौर शिखर सम्मेलन की बात करें तो आठ से इक्कीस से, को अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है और वर्ष 2019 में लिथियम आयन व्यक्ति की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर विम और जॉन बी गोडनप और तथा अकीरा यूसिनो के साथ संयुक्त रूप से इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार और सोलर इंपल्स फाउंडेशन के अध्यक्ष वर्नार्ड पिक्काई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है इस अवसर पर आई एस ए का की जनरल सोनल कंपास 360 डिग्री 360 भी लॉन्च किया गया है फिर आप देखेंगे इक्कीस बार एस का शिखर सम्मेलन हुआ है कितना इक्कीस बार तो 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रध्यों की राष्ट्रध्यों की परिषद की

सत्ता आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्त में भाग लिया यह हाईवेड में आयोजित होने वाला पहला एस शिखर सम्मेलन है साथ ही यह चौथा ऐसा शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने एस पूर्ण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया है नौ जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्थाना वर्तमान नाम नूर सुल्तान में आयोजित एस सी शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से एस के पूर्णकालिक सदस्य बने थे तो ये भी याद रखिए हम लोग कब 2017 में इसके सदस्य बने थे और हमारे साथ हमारा पड़ोसी भी बना था और हमें कहाँ छोड़ के जाता है अकेला इक्कीसवे एस शिखर सम्मेलन के अंत में आठ पूर्णकालिक सदस्यों देशों ने के नेताओं ने ईरान को एस की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित सम, दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए और इस प्रकार एस में ईरान को स्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधि तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और वर्तमान में ईरान को एस में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है वर्तमान में एस के आठ पूर्णकालिक सदस्य हैं भारत कजाकिस्तान चीन किर्गिस्तान रूस पाकिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान और वर्तमान में एस के चार पर्यवेक्षक देश हैं अफगानिस्तान बेलारूस ईरान मंगोलिया और वर्तमान में एस सी के छह वार्ता वार्ता भागीदार देश हैं अज, अजरबैजान ईजान अर्मीनिया कम्बोडिया नेपाल तुर्की और श्रीलंका तो हम लोग तो स्थायी सदस्य हैं एक तरह से पूर्णकालिक ठीक है भारत और यह शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन की स्थापना के बीस वर्ष गांठ के अवसर पर आयोजित हुआ है फिर आप देखेंगे तेरहवा ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है नौ सेप्टंबर दो को भारत की अध्यक्षता में तेरहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और वर्चुअल प्रारूप में आयोजित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और 2012 से 2016 के बाद यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है साथ ही यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और इससे पूर्व उन्होंने दो में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और तेरहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय रहा है ब्रिक्स निरंतरता समीकरण और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग और याद रहे 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस वर्ष ब्रिक्स की ब्रिक्स की स्थापना का पंद्रहवीं वर्षगांठ है जिसे दो हजार शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय में भी दर्शाया गया है ब्रिक्स और इसमें आप देखेंगे तेरहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य ब्रिक्स नेता यथा ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बॉलोनारो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सेरिल राम पोसा इसमें शामिल हुए तेरहवे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को संयुक्त रूप से स्वीकार किया है तो इसमें आपका देखिए ब्रिक्स और इसे बी से ब्राजील हो गया आर से रसिया होगा से आपका आई से इंडिया हो गया सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया पांच देश इसमें शामिल हैं ठीक है तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत आठ अगस्त दो को ब्रिक्स देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख ने सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर भी किया है ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ब्रिक्स देशों की एक अन्य पहल नई पहल है कृषि अनुसंधान मंच ब्रिक्स देशों की एक और नई पहल है सत्ताईस अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में तैयार एवं गठित ब्रिक्स कृषि कृषि अनुसंधान मंच की पिचालन की घोषणा की है और ब्रिक्स एआरपी विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व में भूख अल्पोषण गरीबी असमानता के मुद्दों से निपटने में सहायक होगा फिर आप देखेंगे छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन भी हुआ है और 2021 में तो दो, दो के मध्य रूस के शहर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड में छठे पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन हुआ है दो 2015 में इस संस्था की स्थापना के बाद वित्तीय वर्ष इसका आयोजन ब्लादिवस्तोक में किया गया है और पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रूसी संघ के वि राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के डिक्री द्वारा की गई थी और सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु नई अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था क्या बदलता है और क्या वही रहता है सुदूरपूर्व नई चुनौतियों और अवसर बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी और आप देखेंगे एवं पूर्व पूर्वी आर्थिक मंच एवं युवा रहे, रहे हैं इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर था इस सम्मेलन में 25 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी व्यापारिक समूह सहित अंठावन देशों के चार से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए जिसमें दक्षिण कोरिया जापान भारत चीन कजाकिस्तान के सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल हुए और इस सम्मेलन में सम्मेलन को 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया हमारे प्रधानमंत्री ही भाग लेते हैं फिर आप देखेंगे जी सेवन का फोर्टी सेवन यानी कि सैंतालीसवा शिखर सम्मेलन ग्यारह से तेरह जून 2021 के मध्य यूके की, की अध्यक्षता में कार्विस डे कॉर्नवॉल यूके में सैंतालीसवें जी सेवन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और कॉर्नवॉल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है इस क्षेत्र को छः सेल्टिक राष्ट्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है वर्ल्ड बैग बेटर कॉनवॉल में आयोजित जी सेवन शिखर सम्मेलन कोरिया और को एक हम गेस्ट कह देते हैं को रूम में आमंत्रित किया है शिखर सम्मेलन के दौरान जी सेवन देशों ने विकासशील देशों कोविड नाइन्टीन टीकों की आठ मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है एक खुराके पूर्वी अमेरिका यूके द्वारा क्रमशः दो दो मिलियन और सौ मिलियन को राहें प्रदान करने की प्रतिबद्धता अतिरिक्त होगी जी सेवन नेताओं ने कर, कर एक नेता, न्यूनतम निगम कर के सिद्धांत पर सहमत हुए हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को यहां से जहां भी अपना व्यापार संचालित करती हैं न्यूनतम पंद्रह की दर से, से कर का भुगतान करेंगी इससे कर सम्मेलन के दौरान जी समूह के चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, के प्रत्युत्तर में बेल्ड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक विशेष वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया गया है बी थ्री डब्ल्यू पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु आवश्यक लगभग चालीस ट्रिलियन डॉलर राशि उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जाएगा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री वॉरिस जॉनसन के आमरण पर आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 13 जून 2021 को वर्चुअल प्रारूप में जी सेवन शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में भाग प्रतिभाग किया है या दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी सेवन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और याद रहे दो हज़ार उन्नीस में वीआरट फ्रांस में आयोजित जी सेवन शिखर सम्मेलन में भारत को सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया था तो भारत भी आगे बढ़ रहा है विश्वगुरु की कहते रहते हैं ना हम लोग दूसरी की बात हो रही है अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय है, निर्वाचन के बारे में क्योंकि आप देखते हैं कि दुनिया भर में चुनाव भी तो होते रहते हैं तो उन्हीं की बात हो रही है आप देखेंगे फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है 2022 में फिलिस्पींस में 9 मई से 2022 को हुए सत्रहवें राष्ट्रपति चुनाव में पीएपी पार्टी के उम्मीदवार फर्डीनेड मार्कोस जूनियर वोंग बोंग ने कोल वैध मतों का अंठावन प्रतिशत मत प्राप्त जीत हासिल की है हालांकि अधिकारिक मतगणना जारी रहेगी और कांग्रेस द्वारा 30 दिनों के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी लेनी रोवेडो को पीछे छोड़ दिया है फिर आप देखें फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुए दो हजार में ये दस और चौबीस अप्रैल दो को आयोजित हुए चुनाव में, में एमेनुअल मैक्रो ने दो चरणों में पड़े कुल वैध वोटों का अंठावन प्राप्त कर

बाईस को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है संसद में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर होने वाले इमरान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं गठबंधन के समर्थन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पी एम एल एन के अध्यक्ष शहवाज शरीफ पाकिस्तान के आप देखेंगे तेईसवें प्रधानमंत्री बने हैं और एक और बात बता देती देखिए पाकिस्तान की गलत अलग बात है हमारे देश में आप देखते हैं सेना है हमारी तो क्या करती है हमारे देश की हमारी सेना का काम है कि देश की सुरक्षा करना लोगों की सुरक्षा करना राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है हमारी सेना को हमारी सेना अपना कर्तव्य निभाती है बड़े ईमानदारी से निभाती है तब हम लोग सो रहे हैं चैन की सांस ले पा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ की आर्मी का हस्तक्षेप रहता है वहाँ के जो सेना अध्यक्ष होते हैं उनका हस्तक्षेप रहता है और कहते हैं कि इमरान खान उन्हीं की हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री बने थे उन्हीं के हस्तक्षेप के बाद इन्हें हटाया गया है फिर आप देखें कि कोस्टा रिका राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं ए दो हजार बाईस में छह फरवरी फरवरी और तीन अप्रैल दो हजार बाईस को दो दौर में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में रोडिगो ने जीत हासिल की है प्रथम दौर में किसी उम्मीदवार द्वारा न्यूनतम मत प्राप्त नहीं करने के कारण दूसरे दौर में शीर्ष दो उम्मीदवारों पूर्व राष्ट्रपति जॉस मारिया मारिया फेगोरेस और रोडिगो चाप्स के बीच रन ऑफ चुनाव हुआ है और आप देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रपति चुनाव 2022 12 मार्च 2022 को हुए छठे राष्ट्रपति चुनाव में सरदार बर् बर्दी मोहा मेदो ने बहत्तर दशमलव तेरान सन्तानवे प्रतिशत मतों के साथ जीत हासिल की है और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति को सात साल के कार्यकाल के लिए ई e राउंड सिस्टम का उपयोग करके चुना गया है आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर किसी केंद्र में बात कर लीजिए अगर आप देखिए चालीस परसेंट वोट मिल जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे यहाँ बन जाता है यानी कि साठ वोट उसके पक्ष में नहीं पड़े लेकिन यहाँ आप देखिए कि बहत्तर मिल रहे हैं आप समझ रहे हैं हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं 2022 में 10 मार्च 2022 को हंगरी का में राष्ट्रपति ये चुनाव संपन्न हुए इन चुनाव में कैटलिन नोवाक देश की नई देश की नई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं और 10 मई 2022 को पद ग्रहण करके उप, के उपरांत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है दो हजार के दौरान हंगरी के की परिवार मामलों की मंत्री थी फिर दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं दो में 9 मार्च 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में यूएन सुक योल ने पीपुल्स पार्टी ने अड़तालीस दशमलव छप्पन के साथ जीत हासिल की है दक्षिण कोरियाई संविधान के प्रावधान के के अनुसार राष्ट्रपति केवल केवल एक एक बार ही, एक बार ही ही साल कार्यकाल पद धारित कर सकता है और दस मई दो हजार बाईस योल ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है हमारे यहाँ आप देखिए कई बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं प्रधानमंत्री बन सकते हैं कोई सीमा नहीं है हमारे यहाँ समझ रहे हैं अमेरिका में दो बार बन सकते हैं फिर आप देखेंगे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री 29 नवंबर 2021 को मैगडे को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और याद रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन ने नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है हॉंडूरास की पहली महिला राष्ट्रपति 18 नवंबर 28 नवंबर, नवंबर 2021 को हॉन्डूरास में हुए आम चुनाव में सीओ मारा

राज्य में पहली महिला विधान मुख्यमंत्री कौन रही है ठीक है आप लोग आपके पास गूगल मास्टर है, उसका ले सकते हैं। जापान आम चुनाव 2021 हुए फोमियो किसी के नेतृत्व में, में, में लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ने कुल चार सीटों में से दो सीटें प्राप्त की लिबरल डेमोक्रेट पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई चुनाव में प्राप्त बहुमत के परिणाम स्वरूप

और यहाँ देखेंगे 20 सितंबर 2021 को आयोजित हुए चुनाव में जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी ने तीन से में से 120 160 सीटों के साथ जीत हासिल की है हालांकि तीन सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत 170 सीटें हासिल ना कर सकी तो आप देख रहे हैं उनचास वर्षीय जस्टिस ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के आठवें नेता और दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने इस चुनाव में कुल सत्रह सीटें भारत ने जीती हैं एक समय मुझे लगता है ऐसा आता है आएगा कि हर देश में भारत ही भारतीय भारतीय दिखाई देंगे मोरक्को में संसदीय चुनाव 2021 और आप देखेंगे 9 सितंबर 2021 को आए घोषित संसदीय चुनाव परिणामों में अजीज अखनौच की लेवल पार्टी नेशनल, नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट्स पार्टी ने तीन में से 102 सीटें हासिल की हैं और 10 सितंबर 2021 को मोरक्को के शाह मोहम्मद सिक्स ने अजीज अखनौच को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया सात अक्टूबर दो हजार इक्कीस को अजीज अखनौच ने के एक नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है अफगानिस्तान में तालिबान का धार्मिक कट्टरपंथी शासन ये आप सभी जानते लिया दो हजार इक्कीस को अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्ता वलट करते हुए वहां की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाकर स्वयं सत्ता प्राप्त कर लिया अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी स्वयं अपना बचाव करते हुए देश छोड़ दिया था उन्होंने इस तख्ता पलट का सबसे महत्वपूर्ण कारण था अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी और अमेरिका इसलिए आप देख रहे हैं कमजोर पड़ता जा रहा है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रमुख मोहम्मद हसन आखूब चुने गए और एक बात और आपको बता बताऊंगा देखिए आप लोग भी सोचिए इस बात को कि आपने देखा होगा कि ऐसा माना जा रहा था ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो तालिबान आगे बढ़ते आ रहे हैं और ये सैनिक अफगानिस्तान के सैनिक भागते जा रहे हैं पीछे कोई टकराव ही नहीं हो रहा था अब आप देखिए अगर अपने देश को बचा के रखना होता तो टकराते जरूर लड़ते जरूर और सेना की उनकी तालिबानों की तुलना में सेना अधिक है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की थी जो अगस्त 2021 में मेजर जनरल के साथ जाने के साथ पूर्ण हु, हुई थी और इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में उन्नीस से सन दो तक शासन किया था पर उस दौरान अमेरिकी और नाटो सैनिकों ने अफगानिस्तान की सरजमी मुस्तैद नहीं थी और याद रहे अगस्त 2021 में भारत के पास एक माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी थी और इस अध्यक्षता के दौरान भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ लेकर सुरक्षा परिषद के कुल तेरह देशों रूस चीन इसमें नहीं शामिल थे के साथ एक प्रस्ताव पच्चीस आप देखेंगे पच्चीस तिरानवे और बीस इक्कीस पारित करा लिया था जिसमें तालिबान को आतंक समर्थक संगठन की सूची से मुक्त कर दिया गया और आप देखेंगे जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव ए बारह अगस्त 2021 को राष्ट्रपति पद के लिए जाम्बिया में संपन्न हुए चुनाव में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के होकेंडे हिचीलेमा उनसठ दशमलव दो प्रतिशत मत प्राप्त कर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उन्होंने निर्वर्तमान राष्ट्रपति एडगर लुंगो के फ्रंट को पराजित किया है एडगर लुंगू को अड़तीस दशमलव इकहत्तर प्रतिशत मत प्राप्त हुए ईरान में राष्ट्रपति चुनाव दो और ये आप देखेंगे कि तीन अगस्त दो को आम तुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर आठवें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया है और 18 जून 2021 में संपन्न हुए ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रस रईसी ने बहत्तर प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करके जीत हासिल की है इब्राहिम रई रईसी मार्च 2019 से 1 जुलाई 2021 तक राष्ट्र ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी थे इथोपिया में 2021 में आम चुनाव हुए 21 जून 2021 को और 30 सितंबर 2021 को हुए चुनाव में अब्बी अहमद पॉस्पेरिटी पार्टी पुनः इथोपिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो इन सभी खबरों को याद रखिएगा आप लोग अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो आपदाएं आई हुई हैं देश दुनिया में उन्हें भी देख लीजिए दुनिया भर में आपदाएं तो आती रहती हैं और चक्रवाती आसानी चक्रवात आसानी आठ मई दो हजार बाईस को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ था और ग्यारह मई दो हज़ार बाईस को इसने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुरम के मध्य लैंडफॉल किया था और आसानी नाम श्रीलंका द्वारा सुझाया गया है ये आप लोगों को जरूर याद रखना है आसानी किसके द्वारा नाम दिया गया श्रीलंका के द्वारा इससे पूर्व दिसंबर 2021 में जवाद नामक चक्रवात ने भारत में लैंडफॉल किया था और जवाद नाम सऊदी अरब द्वारा सुझाया गया था ठीक है और फिर आप देखेंगे ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में ये छब्बीस मार्च दो में फिलीपींस स्थित ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था यह ज्वालामुखी फिलीपींस की राजधानी मनीला से पचास किलोमीटर दक्षिण में स्थित लुजोन द्वीप में आपको देखने को मिलेगा चक्रवाती इमनाति ये चक्रवात इम्नाती बीस बाईस से तेईस फरवरी 2022 के मध्य मेडागास्कर के तटीय शहर मनाकारा के दक्षिण पूर्व में टकराया था यह तूफान मोरि मौरीस, तूफान मोरिसस और री यूनियन फ्रांस से होते हुए मेडागास्कर के पूर्व तट पर पहुंचा था इसकी उत्पत्ति 16 फरवरी को मध्य हिंद महासागर के हुई थी और इमनाती वर्ष 2022 में मेडागास्कर में लैंड करने वाला चौथा उष्ट कटिबंधीय तूफान है फिर आप देखेंगे इसके पूर्व तूफान एना वत्साई एवं डोमेंको मेडागास्कर को, को प्रभावित कर चुके हैं टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट इसमें आप देखेंगे 15 जनवरी 2022 को

माउंट सेमेरु ज्वालामुखी विस्फोट ए इंडोनेशिया के पूर्व में जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरु ज्वालामुखी 4 दिसंबर 2021 को विस्फोट हुआ इस ज्वालामुखी को महामेरू द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है यह द्वीप जावा का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी है टाइफून राय ये आप देखेंगे 16 16 से 18 दिसंबर 2021 के बीच टाइफून राय फिलीपींस के तट से टकराया था इसे सुपर टाइफून के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है और राय को फिलीपींस में सुपर टाइफून ओडेट ओडेट के रूप में जाना जाता है क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र टोक्यो टाइफोन के नाम से रखने के लिए उत्तरदायी है और राय नाम माइक्रो नेशिया द्वारा सुझाया गया माउंट एसो ज्वालामुखी ये बीस 20 अक्टूबर 2021 को जापान के दक्षिणी द्वीप किसो पर स्थित माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और आप देखेंगे फुको टोको ओकानोवा ज्वालामुखी जापान ये तेरह अगस्त दो को फुको टोको ओकानोवा ज्वालामुखी जापान तट से दूर प्रशांत महासागर में विस्फोटित हुआ है और आप देखेंगे यह जापान की मिनामी एवो जीमा द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह एक पंडुबीज ज्वालामुखी का उदाहरण है फिर आप देखें माउंट मेरापी मेरापी ये 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी विस्फोट विस्फोटित हुआ है माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है फिर आप देखेंगे अलास्का क्या अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट ये अगस्त 2021 में यहाँ स्थित तीन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना दर्ज हुई थी इनमें आप देखेंगे पाओलॉक लॉप ग्रेट सिटिकन अलेसियन दुई में स्थित सेमी सोपो सोपोच नोए ज्वालामुखी शामिल है चक्रवात गुलाब ये आप देखेंगे सितंबर 2021 में भारत का पूर्वी तट चक्रवात गुलाब से प्रभावित हुआ इसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कलिंग उड़ीसा के गोपालपुर के बीच के भूभाग को प्रभावित किया इसका नामकरण गुलाब पाकिस्तान द्वारा दिया किया गया था हमारे पड़ोसी है ना पाकिस्तान प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप ये तीस अगस्त दो को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस इस सूचना को साझा किया है ऐप का निर्माण आईआईटी रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है ऐप संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा यह प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा ताकि समय पूर्व प्रबंधन संभव हो सके फिर आप देखेंगे कि तुर्की में सी स्नोट का प्रकोप जून 2021 में काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाली तुर्की के मरमरा सागर में सी स्नोट का प्रकोप दिखा है और सी इनस्ट क्या है ए सीनस्ट या समुद्री लाशा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है और वास्तव में यह समुद्री सलेषम की एक मोटी युक्त परत है जो जल में उपस्थित सेवाल से निर्मित होती है क्या होती है होती है चलिए कुछ ये पॉइंट हैं आपके वन डे एग्जाम के लिए काफी फायदा देंगे इन्हें भी देख लीजिए थोड़ा और आप देखेंगे क्या देखेंगे भारत के किन दो शहरों में ने विश्व की ट्री सिटी का किताब जीता है, हैदराबाद मुंबई ने अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित कर दिया है कतर को लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा नवीनतम सूचकांक में कितने देशों ने किया एक न्यूजीलैंड फिनलैंड सूचकांक में निचले स्थान पर तीन देश कौन से अफगानिस्तान उत्तर कोरियां डेमोक्रेसी इंडेक्स की भारत ने सूचकांक 2021 में छह दशमलव इक्यानवे की समग्र स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है छियालीस फोर्टी सिक्स किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है इसराइल सत्तर वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट सामग्री बनी है ये महारानी है एलिजाबेष दो हजार बाईस के लिए अभी की की पदभार ग्रहण किया मैकी सेल भारत ने किसके साथ आभासी मुद्रा सुरक्षा वार्ता आयोजित की है यूरोपीय संघ के साथ किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया सऊदी अरब भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना दो को मंजूरी दी है आसियान किस देश ने ग्रेट बैरियर रीप की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम भारत एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबारी किसके द्वारा की गई भारत द्वारा और सऊदी अरब ने 30 अप्रैल 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए थाईलैंड के भारत और इजराइल ने अपने 30 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक को लोगो लॉन्च किया लोगों में क्या है अशोक चक्र और डेविड का सितारा किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी पर रखा गया है मॉरिसस में दो हजार में पहली बार ब्रिक्स से बैठक की अध्यक्षता की गई है चीन द्वारा और इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है जकार्ता से काली मंत्र में राजधानी का नाम नुसंतारा तो ये भी याद रखिएगा नेपाल के प्रांत टू का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ये आप देखेंगे मघेश प्रदेश और आप देखेंगे हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया फिलीपींस ने बांग्लादेश की किस की किस इमारत को 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंडसिप हॉस्पिटल को किस देश में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की गई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है किस देश में अपने दीपियों का नाम बदलने की घोषणा की गई ऑस्ट्रेलिया में 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है बेल्जियम ने किस देश ने वर्ष दो तक स्वयं को पूर्णता धूमपान मुक्त देश घोषित बनाने की बात की है न्यूजीलैंड ने शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने गहन की है भारत ने किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया निकारागुआ ने किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है माल्टा किस देश में तबलीगी दमाद पर प्रतिबंध लगा दिया है सऊदी अरब कौन शत प्रतिशत पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है दुबई किस देश ने भारत की प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो प्रदान किया है भूटान ने इस पुरस्कार को इस किस अन्य नाम से जानते हैं नकदल फे, फेल गी खोरलो ठीक है जो प्रधानमंत्री साहब को मिला संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

दो देश जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है जर्मनी और रूस और इस तरह से आप देखेंगे आपका क्या भी कवर हो जाता है अभी तक आप राष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं विधिक परिदृश्य भी देख चुके हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं अगली क्लास में हम लोग आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे अपने बजट को देखेंगे आर्थिक समीक्षा को देखेंगे इस तरह के तमाम आंकड़ों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे आप लोग पढ़ते रहिए इन्जॉय करते रहिए कोई आपका सवाल है तो आप लोग वो पूछिएगा ठीक है मेहनत करना है लेकिन आपको